धन्यवाद मैडम। मैं लक्ष्मी कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, एबीएम कॉलेज, गोलमुरी, जमशेदपुर से। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय अंतर विषयी सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदया, सह आयोजन सचिव डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैम, सिक्किम से जुड़ी द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षा प्रोफेसर चूकी भूटिया, विशेषज्ञ समिति सदस्य एवं डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता महोदया, बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र भारती महोदय, शिक्षकगण, श्रोतागण, प्रतिभागीगण एवं स्नेहिल विद्यार्थियों का मैं इस आभासी मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हम सभी को पता है कि ये काफी गौरव की बात है हमारे लिए कि आज इस द्वितीय तकनीकी सत्र और इसी दिन गांधी जयंती भी है और दोनों ही कार्यक्रमों को हम एक साथ ही आज यहाँ पर मना रहे हैं। तो महात्मा गांधी के नारी विषयक जो विचारधाराएं हैं, क्योंकि हमारा जो ये सम्मेलन है वो अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को लेकर ही है, तो उसी आधार पर बापूजी के क्या विचारधाराएं हैं उसको कुछ हम लोग देखते हैं। वाणी के मंदिर में आकर कर्म स्वयं झनकृत है आज। वाणी के मंदिर में आकर कर्म स्वयं झनकृत है आज। गिरा अर्थ से अर्थ गिरा से सादर समलिंगकृत है आज। सियाराम सरन गुप्त द्वारा रचित बापू काव्य की इस वंदनामूलक पंक्तियों में गांधी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी सबसे बड़े स्त्रीवादी थे और महिलाओं के वास्तविक मुक्तिदाता। महिलाओं को दबाने वाली सदियों पुरानी प्रथाओं, रीति रिवाजों, पर्दा प्रथा आदि की उन्होंने आलोचना की और महिलाओं के विकास के लिए सतत प्रयास किए। गांधी जी की यह सोच और समझ अद्वितीय थी कि एक स्त्री का भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्त्री को भी अपनी किस्मत संवारने का उतना ही हक है जितना किसी पुरुष को। वे नारी को अबला कहने के भी सख्त खिलाफ थे। इस संदर्भ में महात्मा गांधी कहते थे, उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को धुतकारना है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें उनकी वीरता की कई मिसालें मिलेंगी। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो कुछ ही महीनों में वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं। ऐसे विचारधारा के संपोषक राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सत सत नमन। और साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, तो इस अवसर पर मैं उन्हें भी शत शत नमन करती हूँ। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं एबीएम महाविद्यालय के विद्यार्थी मुकुंद पांडे को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि गीत समर्पित करें। मुकुंद पांडे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुकुंद पांडे एबीएम कॉलेज के मुकुंद, अपना अपना वीडियो अच्छा सीधा कर लीजिए। मुकुंद, अपना वीडियो सीधा कर लीजिए, आप टेढ़े हैं। जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आज आप लोग के बीच हमारे महात्मा गांधी बापूजी के जयंती के शुभ अवसर पे आज आप लोग के बीच एक श्रद्धांजलि गीत अर्पित करना चाहता हूँ, जो कि बापू का बहुत ही प्रिय गीत रह चुका है। तो अब प्रारंभ करता हूँ आप लोगों के सामने। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम,
अतीत पावन सीतारा ईश्वर ला तेरु नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर ला तेरु नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जब बोलो तब सीतारा मुख में तुलसी घटा मेरा जब बोलो तब सीतारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा कौशल्या के भाराम दशरथ जी तारे राम कौशल्या के दशरथ जी के प्यारे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे मन राधे श्याम सीता राम सीता राम भज प्यारे मन राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की इस श्रद्धांजलि गीत का। एक बार आपका इतना सुंदर प्रस्तुति करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरविषयी सम्मेलन के आयोजन सचिव एवं महाविद्यालय की प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर मुदिता चंद्रा महोदया से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारे अतिथि गणों का विधिवत स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैम। धन्यवाद लक्ष्मी। आज के इस तकनीकी सत्र से मैं अध्यक्षता कर रही सिलीगुड़ी युवा जागृति संघ द्वारा हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित साहित्य सेवी या साहित्य प्रेमी चुकी भुटिया जी, विशेषज्ञ समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर जूही समर्पिता प्राचार्य डीबीएमएस एजुकेशन कॉलेज, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए या इस पूरे तकनीकी सत्र को व्यवस्थित रूप देने के लिए पधारे हमारे महाविद्यालय के राजनीति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र भारती।
इस सत्र में जुड़े सभी प्रतिभागीगण और कुछ मेरी बेटियां भी जिन्हें मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो बेटियां भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो आप सबों का मैं स्वागत करते हुए बहुत आनंद और हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। आज 2 अक्टूबर है, यह तिथि हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को दो ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनका आदर्श आज जिनके आदर्श का जिनके कर्मों का लोहा पूरा विश्व मानता है। राष्ट्रपिता के रूप में एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में हम सभी जानते हैं, तो दूसरे धरती पुत्र किसान के महत्व को स्थापित करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है। इस दिवस की पावन बेला में हम दोनों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाएं स्वयं इतनी सबल हैं कि खुद ही नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आजाद होना है तो उन्हें निडर बनना होगा, और इसी निडर का परिणाम है कि आज महिलाएं समाज को सशक्त करने में लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस तथ्य को प्रमाणित करता है आज महात्मा गांधी के ये विचार। इसीलिए आज हम इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रतिभागी अपना आलेख प्रस्तुत करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कृषक को जय जीवान जय जवान जय किसान कहकर सम्मानित किया था। आज जिन जातियों की बात हम करने जा रहे हैं उनका मुख्य पेशा कृषि ही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही महापुरुष की बहुत अधिक प्रासंगिकता है भारतीय परिपेक्ष में, ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर को मैंने चुना, कल का अमृत महोत्सव में ऐसे दिन को मैंने शामिल किया जो हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ये प्रतिभागी कई ऐसे सुझाव, मैंने कल कहा था कि आलेख न पढ़ना एक दुखदायी कारण होता है आलेख लिखने से, तो इसीलिए एक कारण वो भी था। दूसरा कारण इस तकनीकी सत्र को करने का मेरा यह भी था कि कई शोध आलेख, कई विद्यार्थी, कई शोधार्थी, कई प्रतिभागी गण शोध आलेख की वो कसौटी को पूरा नहीं कर पाते जिस कसौटी पर उन्हें कसा जाता है, शोध आलेखों को कसा जाता है, और इसीलिए मैंने हर सत्र में एक न एक विषय विशेषज्ञ को जरूर जोड़ा है जिससे कि आपको वो दिशा निर्देश दे सके कि यह कसौटी कैसी होती है, किस तरह के शोध आलेखों को प्रशंसा मिलती है, किस तरह के शोध आलेख सराहे जाते हैं। तो इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपनी शोध समिति की सदस्य, एक महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर जूही समर्पिता को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ, और यह जानती हूँ कि आज वो जरूर कुछ ऐसे टिप्स देंगी जिसके कारण हमारे शोधार्थी हमारे प्रतिभागी गण बहुत लाभान्वित होंगे। हमारे लिए आज ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि दूर सिक्किम से जुड़ रही हैं चूंकि भूटिया जी जो आज आपके सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जहां आपके विचारों को सुनेंगी, वहीं आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आलेखों को वो पहले से पढ़कर तैयार हैं, क्योंकि हमने अध्यक्षों को पहले से ही आलेख भेज दिया था, और वो आपके आलेख की खूबियां और उसमें और क्या होना चाहिए था इससे भी आपको अवगत कराएंगी। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में उपस्थित मैं अपनी अध्यक्षा डॉक्टर चूकी भूटिया का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत है हमारे महाविद्यालय के राजनीति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र भारती का, जो सभी अतिथियों को सभी प्रतिभागियों को सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन ही नहीं देंगे बल्कि हमारे कॉलेज में ऐसी होने वाली चीजों से भी आपको अवगत कराएंगे। इस सत्र से जुड़ गई हैं हमारी आयोजन सचिव
डॉक्टर किरण तिवारी भी, जिनकी भूमिका यह है कि आप लोग के सारे प्रस्तुत आलेख को वो देख रही हैं, सुन रही हैं, और इसके आधार पर वो चयनित भी करेंगी विशेषज्ञ समिति के साथ कि किन्हें हम अंतिम समय में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं। इसके लिए मैं तिवारी जी का, किरण तिवारी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो हमारे विश्वविद्यालय से नहीं है, लेकिन मेरे इस सहयोग में रांची महिला महाविद्यालय की वो प्राध्यापिका हैं, लेकिन इस आयोजन में उनकी एक अहम भूमिका रही है, इसीलिए मैं उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आपके इस पूरे तकनीकी सत्र की सूत्रधार मेरी शिष्या भी रही और आज मेरी सहयोगिनी भी हैं, तो मैं लक्ष्मी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम सदा होते रहें, यह आपकी उपस्थिति से ही हमें प्रेरणा मिलती है, इसीलिए आप लगातार इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे प्रेरित करते रहिए कि मैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने तो अपनी पाली खेल ली, मेरी पाली का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन आपने जो शुरुआत की है अपने अध्यापक जीवन की या अपने शोध जीवन की, उसमें मैं एक दिशा देने वाली बन सकूं, इसकी अभिलाषा है मुझे। आप ऐसी शुभकामनाएं मुझे दीजिए। इसके साथ ही मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी बातें सुनने के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय अंतरविषयी सम्मेलन, जिसका विषय है समाज के शक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं का योगदान, वैश्विक पर चर्चा एवं शोध आलेखों के पाठ इस द्वितीय तकनीकी सत्र में किए जाएंगे। इस द्वितीय सत्र की अध्यक्षता सिक्किम की प्रोफेसर चुकी भूटिया महोदया हूँ कि इस द्वितीय सत्र का मैं तकनीकी सत्र का प्रारंभ कर सकूं। प्रोफेसर मैं सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। हाँ हाँ आप प्रारंभ कीजिए, इतना वेट मत कीजिए, आप प्रारंभ कीजिए। वो अध्यक्षता जुड़ गई है, अध्यक्ष जो है वो जुड़ गई है। जी जी तकनीकी सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातों को ध्यान में आप लोगों को रखना होगा कि पहले जो आलेख प्रस्तुत करता है वो ध्यान रखेंगे कि उन्हें आलेख प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट की अवधि समाप्त होने पर घंटी बजेगी, उसके पश्चात 1 मिनट के अंदर आपको अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा। अब मैं सबसे पहले प्रतिभागी के रूप में देवेंद्र सिंह ठाकुर को, जो सहायक प्राध्यापक है हिंदी के शासकीय महाविद्यालय धर्मपुर, उनका शोध विषय है दलित महिला साहित्यकार सुशीला टाक भौरे के काव्य में दलित विमर्श। मैं उनको इस आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ठाकुर। धन्यवाद मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी। धन्यवाद मैम,
आदरणीय आभासी मंच एवं समस्त विद्वत जनों तथा विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी जिलाधार मध्य प्रदेश से यथा योग्य सादर अभिवादन करता हूँ। आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सर्वप्रथम आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके द्वारा एकदम नए अनछुए विषय को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतर विषयी वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। समाज की दकियानुसी परंपराओं और ऊंच नीच की संकीर्णताओं से संघर्ष करके साहित्य जगत में अपना मुकाम बनाने वाली साहित्यकार डॉक्टर सुशीला टाक भोरे के काव्य में झलकती दलित संवेदनाओं को आधार बनाकर मैंने अपना शोध पत्र तैयार किया है। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है दलित महिला साहित्यकार सुशीला टाक भोरे के काव्य में दलित विमर्श। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ता रहा है। आपने वाल्मीकि समाज में जन्म लेकर अपनी शिक्षा, अटल इरादा शक्ति और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया। डॉक्टर सुशीला टाक भोरे का जन्म 4 मार्च 1954 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव बनापुरा में एक दलित परिवार में हुआ था। आपकी माता श्रीमती पन्ना घावरी पढ़ी लिखी महिला तो नहीं थी, परंतु अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर थी। उनके पिता श्री रामचंद्र रामप्रसाद घावरी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वह भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए जागरूक थे। उन्हें शिक्षा दिलवाई गई, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उनके घर वालों को उनका विवाह जल्दी करने को मजबूर होना पड़ रहा था। परंतु सुशीला जी की पढ़ाई के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति से परिवार और समाज दोनों को झुकने पर मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार से सुशीला जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीए करने के बाद उनका विवाह शिक्षक श्री सुंदरलाल सेन के साथ कर दिया गया था। आपको विवाह के बाद शैक्षणिक पृष्ठभूमि मिलने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा पूर्ण की और पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके प्राध्यापक बनी। आपको बचपन से ही साहित्य में पठन पाठन और लेखन में रुचि थी, तो आप धीरे धीरे लेखन की ओर मुड़ गईं। डॉक्टर सुशीला टाक भोरे ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि विद्वानों के आदर्शों पर चलकर अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को निखारा। आप दलित साहित्य के महत्वपूर्ण महिला साहित्यकार, विचारक, शिक्षक और समाज सेवी हैं। आपने कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, वैचारिक लेखों के माध्यम से सामाजिक सरोकार रखने वाले मुद्दों को कलमबद्ध किया। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सुशीला जी को अपने साहित्य लेखन के आरंभिक दौर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और कहानीकार तथा कवित्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपके द्वारा रचित साहित्य दलितों के अधिकारों और उनके जीवन मूल्यों के साथ साथ उनकी हजारों वर्ष की वेदना का चित्रण करता है, जिसमें हमें समूचे सर्वहारा वर्ग की वेदना के दर्शन होते हैं। आपने हाशिए पर धकेल दिए गए दलित वर्ग, आम आदमी और नारी जीवन के मार्मिक पहलुओं को उजागर किया है। लेखन के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। देश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में आपकी रचनाओं को भी शामिल किया गया है, जो इस बात को साबित करता है कि प्रतिभा किसी धर्म या जाति विशेष की मोहताज नहीं होती। आपके प्रमुख काव्य संग्रहों में स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, हमारे हिस्से का सूरज आदि हैं, जिसमें आपने दलित वर्ग, नारी वर्ग और श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आप लोगों के समक्ष उनकी कुछ कविताओं की पंक्तियां रखना चाहता हूं। जैसे हमारे हिस्से का सूरज नामक कविता में उन्होंने दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। सदियों की गुलामी है, ऊपर देखने की आदत ही नहीं है, कैसे देखेंगे कांति सूर्य को, कैसे समझेंगे जागृति और परिवर्तन के प्रकाश को। सर्वण समाज ने सदियों से सभी अधिकारों और संसाधनों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखा है और दलित वर्ग को आगे बढ़ने से रोका है। यातना के स्वर कविता कुछ ऐसा ही कहती है, दलित पीड़ित अपाहिज पीढ़ियां न कुछ कह पाई न कुछ समझ पाई, अपने दुख दर्द अन्य अत्याचार को समझती रही जीवन का यथार्थ। नारी को उसकी जाति देखकर पूजा जाता है, तो उन्होंने लिखा है, वेदों ने पुराणों ने नारी को सम्माननीय बताया, नारी हूं मैं भी पर दलित भी हूं, क्या इसीलिए मेरा सम्मान गिराया है।
आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई है, जो आपने अपनी कविता के द्वारा बताया है। मेरा उपभोग नहीं सह सकती में, सदियों से शोषित पीड़ित अब नहीं रह सकती में। इस प्रकार उन्होंने अनेक कविताओं में शोषित वर्ग को संघर्ष करने एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर सुशीला जी ने दलित वर्ग की आवाज को समाज तक पहुंचाया है तथा तथाकथित सभ्य समाज के काले चेहरे को भी उजागर किया है। इस प्रकार उनके काव्य में हमें संपूर्ण सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। आज धीरे धीरे देश में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है और आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। अंततः कहा जा सकता है कि दलित वर्ग में जन्मी सुशीला जी का व्यक्तित्व और कृतित्व निसंदेह प्रत्येक समाज की नारी के लिए प्रेरणास्पद है, क्योंकि एक तो दलित और ऊपर से नारी, लेकिन आप डरी नहीं, रुकी नहीं, बल्कि दो दो मोर्चों पर संघर्ष करते हुए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र अपना मुकाम बनाया। दलित महिला साहित्यकार के रूप में आपका साहित्य अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अंततः मैं कहना चाहूंगा कि उनके बारे में बोलने का मुझे मौका दिया गया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा आयोजन समिति को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, आपने सुशीला जी के व्यक्तिगत जीवन एवं रचनात्मक रुचि को व्याख्यायित करते हुए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं डॉक्टर भारती कुमारी, जो हिंदी विभाग सहायक प्राध्यापक हैं जमशेदपुर विमेंस कॉलेज, इनका शोध आलेख का शीर्षक है मातोश्री रमाबाई अंबेडकर, महिला सशक्तिकरण के मिसाल। मैं उनसे विनम्र आग्रह करती हूं कि वो अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। डॉक्टर भारती कुमारी मैडम जी, सबको जोहार, धन्यवाद लक्ष्मी। इस आभासी गुणकारी एवं यथार्थ से परिपूर्ण के मंच पर विराजमान विद्युत जन गुणी जनों का को मैं प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। जैसे हरी पत्तियां अपने हरे दिल खोलकर स्वयं के हरेपन की शोभा बढ़ाती हैं, ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अंतर विषय सम्मेलन का ताना बाना आभासित हो रहा है, जहां शब्दों की ऊंचाई कम पड़ गई है और वाणी की धारा मूक, किंतु कर्तव्य और भावना का निर्वहन करते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत का गुणगान करना चाहती हूँ जिनके जीवन का पाठ तो सदैव बेचैन रहा, किंतु इस बेचैनी के पाठ की धैर्यता और सहनशीलता से एक ऐसे युग पुरुष का उदय हुआ जिसे दुनिया भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानती है। आजादी का अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस विरासत की पूंजी को समेटना दुर्लभ किंतु अत्यंत ही सुखद सौभाग्य है। रामाबाई अंबेडकर एक ऐसी सशक्त शख्सियत थी जिनके त्याग ने भीमा को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बनाया। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति रमाबाई अंबेडकर के संबल पर डॉक्टर अंबेडकर ने देश के वंचित तबके का उद्धार किया। बाबा साहेब भीमराव को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। अत्यधिक निर्धनता में भी रमाबाई ने बड़ी धैर्यता से परिवार का निर्वहन किया और मुश्किलों के इस दौर में भी उन्होंने बाबा साहब के मनोबल और साहस बनाए रखा। पिता भीखू दाभोल बंदर में मछलियों से भरी हुई टोपालियां बाजार में पहुंचाते थे। बचपन में ही माता पिता के गुजरने के बाद चाचा और मामा के पास मुंबई में भाईखला की चाल में रहने आ गई। 9 साल की उम्र में 14 वर्षीय भीमराव के साथ उनका विवाह हुआ।
भीमराव के प्रयास से वे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख गईं। रमाबाई भीमराव को साहब कहकर पुकारती और भीमराव अंबेडकर रमा को रामू कहकर बुलाते। भीमराव के अमेरिका में रहने के दौरान रमाबाई को अत्यंत कष्ट और पीड़ा पीड़ा भरे दिन देखने पड़े। आर्थिक दिक्कतों का सामना करने के बावजूद उन्होंने इसकी भनक बाबा साहेब को न होने दी और जैसे तैसे जीवन की नया पार लगाती रही। 25 नवंबर 1921 लंदन में भेजे पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी रामू को लिखा, गंगाधर अंबेडकर दंपति का पहला पुत्र था, बीमार है, यह जानकर दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ अन्न का मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाए तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। ऐसी विपन्नता हृदय को तार तार कर देती है। किंतु रमाबाई ने अपने सशक्त अदम्यता और दृढ़ साहस का परिचय दिया। मुसीबत के दिन उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए। रमाबाई को लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाना खाकर जीना पड़ा। रमाबाई यह समझती थी कि बाबा साहेब अंबेडकर का बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना कितना जरूरी है ताकि वह वापस भारत लौटकर पिछड़ों को शिक्षित करें। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक प्रेरणा का काम किया। साधारणता से लेकर सामाजिक तिरस्कार कदम कदम पर झेलते हुए समय के दौरान रमाबाई एक मजबूत संबल की तरह साथ रहीं। तमाम तानों और अभावों के बीच गृहस्थी को संभाल कर रखा। पढ़ाई के लिए दूसरी बार इंग्लैंड जाने के पहले बाबा साहब ने रमाबाई को परिवार की देखभाल के लिए रुपए तो दिए, परंतु रकम इतनी कम थी कि वो जल्द ही खर्च हो गए। ऐसी अभावग्रस्त स्थिति में रमाबाई ने उपले बेचकर यानी गोईठा गोईठा बेचकर गुजर बसर किया। तो कभी नौबत यहाँ तक भी आई कि कई बार उन्हें दूसरों के घरों में काम भी करना पड़ा। वे इस तरह हर छोटे बड़े काम से पति की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। इस बीच जीवन में कुछ दूसरे इम्तिहान भी चलते रहे, परंतु अर्थाभाव के कारण जब 5 संतानों में से 4 संतानों ने उनके सामने दम तोड़ा तो बाबा साहेब और रामाबाई पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ की मैं एक छोटा सा संदर्भ प्रस्तुत करूं। पुत्र गंगाधर की मृत देह को ढकने के लिए नए कपड़े के पैसे न होने के कारण रमाबाई ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दिया, फिर वही उड़ाकर शमशान घाट ले जाया गया और वहां पर उसको दफना दिया गया। माँ की ममता की यह भयावह चित्कारपूर्ण स्थिति मन को विचलित करती है। धैर्यता और कर्तव्य की यह पराकाष्ठा निश्चय ही सशक्तता का अद्भुत परिचय है। जीवन में सदैव ही विषम परिस्थितियों को झेलते रहने के क्रम में भी रमाबाई को इस बात का ध्यान रहता कि पति के कार्य में किसी तरह की बाधा न पहुंचे। रमाबाई की तबीयत अंतिम दिनों में अक्सर खराब रहने लगी। कठोर जीवन संघर्ष के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मृत्यु से पहले 6 महीने तक वे बिस्तर पर पड़ी रहीं। बाबा साहब उन्हें धारवाड़ ले गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आई और 27 मई 1935 को ईस्वी को रमाबाई की मृत्यु के कारण डॉक्टर अम्बेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष था और स्वयं बाबा साहब के शब्दों में उनके साथ कष्ट भोगने में तत्पर यदि कोई था तो वह थी रमाबाई अंबेडकर, उनकी पत्नी, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर प्यार से रामू बुलाते थे और अनुयायी समाज मातोश्री बुलाते थे। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि उनका जीवन लंबे समय तक अभाव और संघर्ष की दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा और इस ऐतिहासिक पन्नों की यात्रा की मैं हिस्सा बनी, यह सौभाग्य है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मत काटो और छांटो इसको, सत यही ही बनना बनना तुमको, बुनना तुमको, सधे पांव से चलना तुमको, लिपट कफन में जाना तुमको, बस इतना ही कहना मुझको, बस इतना ही कहना मुझको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने रमाबाई अंबेडकर के जीवन के विषय में बहुत कुछ बताया। आशा करती हूँ कि इससे यहाँ जुड़े हुए जितने भी श्रोतागण हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो अवश्य ही लाभान्वित में होंगे।
इसके पश्चात मैं डॉक्टर ज्योति ढोले, जो कि शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी में भूगोल विषय की सहायक प्राध्यापिका हैं और जिनका विषय है सुनीता सोलंकी, आम से खास बनने की कहानी, मैं उनसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि वो आएं और अपने शोधालेख को प्रस्तुत करें। थोड़ा संक्षिप्त में समय का आप लोग ध्यान रखें। आदरणीय डॉक्टर मंच ज्योति को मेरा ढोले। प्रणाम। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम। नमस्कार। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनीता सोलंकी, एक आम से खास बनने की कहानी। मेरे लिए ये आम से खास बनने की कहानी इसलिए है कि इससे बहुत सारे जो निगेटिविटी थी समाज में फैली हुई है, जस्ट उसका अपोजिट है। एक ऐसे समाज को ये प्रतिघात करती हैं कि पुरुष प्रधान समाज होना ही चाहिए, ऐसे समाज में ये प्रतिघात करती हैं। एक छोटे से आदिवासी समाज में जन्मी सुनीता जो है, एक आदिवासी बहुल जिले में जन्म हुआ, धार जिले के मनावर जिले में 1885 में इनका जन्म हुआ और एक छोटी सी जगह में ये पड़ी। तीन बहनों में ये सबसे बड़ी थी। जन्म से ही जो है दिव्यांगता इन्हें भगवान ने दी थी, जिस कारण जो है इनका दाएं हाथ का पंजा नहीं था, लेकिन ये उस कमजोरी को छोड़कर भी बहुत आगे बढ़ी। समय के साथ साथ इनके परिवार पे आघात होते चले गए। 5 वर्ष की आयु में ही इनके पिताजी का देहांतवास हो गया था। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में इनके जो है यह पिता विहीन हो गई थी। इनकी माता जी ने तीन बहनों को बहुत पढ़ाया लिखाया और जो है आज समाज में स्थापित किया, एक अच्छी जगह पर इन्हें पहुंचाया। सुनीता जो दिव्यांगता से जन्म जिनका संबंध रहा है, यह पढ़ने में बहुत होशियार थी और माँ ने इनका पूर्ण सहयोग किया और इन्हें पढ़ने के लिए आगे जो है हॉस्टल में पहुंचाया। हॉस्टल में पढ़ने के बाद हॉस्टल में ये पढ़ी और उसके बाद धर्मपुरी तहसील में इन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश किया। तभी से मेरा इनका परिचय है और ये मेरी छात्रा भी रही है। काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका रहा है, इसलिए मैंने इन्हें शोध पत्र के रूप में सोचा कि इन्हें और भी जो छात्राएं जो है या महाविद्यालय के विद्यार्थी जो है इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। चूंकि तीन बहनों में ये सबसे बड़ी थी, माँ ने बड़ी मुश्किलों से इन्हें पढ़ाया लिखाया और ये भी उसके माँ के इस आशीर्वाद से और माँ की प्रेरणा से काफी आगे तक पढ़ी। ग्रेजुएशन इन्होंने शासकीय महाविद्यालय धर्मपुरी से किया और वहां पर इनका सिलेक्शन जो है सहायक ग्रेड 3 में हुआ। आज ये वर्तमान में PSC में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत हैं और इन्होंने जो है अपने जीवन संघर्ष में बहुत सारी, जो वो कहते हैं कि पुत्र का होना बहुत जरूरी है, उस विचारधारा को इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते इन्होंने अपनी दो छोटी बहनों का विवाह किया और आज अपनी माँ को अपने लड़के के समान जो है गर्व के साथ अपने साथ रखे हुए हैं। जो दो बहनों का विवाह किया और उसके साथ ही ये उनके बच्चों को भी आज जो है पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी निभा रही है। इसके साथ ही ये जो अपने गांव के आसपास में छोटी जो लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए उच्च अध्ययन के लिए जो है इंदौर जैसी बड़ी सी जगह पर जाती हैं, उन्हें ये अपने घर में जो है आवास के रूप में आवास प्रदान करती हैं, क्योंकि बड़ी जगह पर छोटे लोगों को जाकर इतना खर्च कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये उन्हें जो है आवास सुविधा प्रदान करती है। इसलिए इनका व्यक्तित्व में मेरे लिए बहुत खास है और मैं जो है इस मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने जो है उनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए मुझे मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, आपने सुनीता सोलंकी के जीवन के विभिन्न कठिनाइयों को दर्शाया है अपने शोधालेख में, साथ ही साथ उसके जीवन के विविध पड़ावों को दर्शाते हुए किस तरह से वो एक आम से खास जीवन की जो यात्रा है उसको वो सफल बनाती है, इस पर आपने बहुत ही सुंदर अपने आलेख को प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर पार्वती मुंडू। डॉक्टर पार्वती मुंडू जो ध्रुवा रांची विश्व JN कॉलेज ध्रुवा रांची विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्राध्यापिका हैं और इनका शोध विषय है डॉक्टर असरिता टुटी, सामाजिक सांस्कृतिक योगदान। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। डॉक्टर पार्वती मुंडू। डॉक्टर पार्वती मुंडू, आवाज आ रही है आपको?
पार्वती ठीक है, मुंडू मैं शायद इस नहीं है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद मैं श्रीमती प्रतिभा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो कि शोधार्थी हैं कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की, और उनका शोध विषय है साहित्य के माध्यम से समाज को सशक्त करती वंदना टेटे। श्रीमती प्रतिभा, आप आएं और अपने शोधालेख को प्रस्तुत करें। शायद वो भी नहीं, अब कोई आवाज नहीं देता है तो आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि टाइम समय बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद में सबिता पॉल, जो कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी हैं और उनका शोध विषय है उपेक्षित आदिवासी स्त्रियों तथा विलुप्त होती संस्कृति के प्रति निर्मला पुतुल की संचेतना। मैं इनको आमंत्रित करती हूं कि ये आएं और अपने शोध आलेख को प्रस्तुत करें। नमस्कार सबिता पॉल। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित आप सभी को गांधी जयंती और देश के मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही मैं कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर मुदिता चंद्रा आयोजन सचिव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया अपना वक्तव्य रखने के लिए, और आयोजन समिति को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषय सम्मेलन का विषय है समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं का योगदान। मैं कहना इस विषय पर चर्चा से पूर्व मैं कहना चाहूंगी कि ईश्वर की समस्त रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट रचना है स्त्री। स्त्री एक माँ है, बहन है और सृजनकर्ता है, किंतु इन सब से पृथक उनका एक अस्तित्व है, वह स्वयं। रिश्तों की परिधि से और कर्म कर्तव्य के गणित से परे कर्म और मुक्त वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व होने के बावजूद वह कर्तव्य और जिम्मेदारियों से बंधी है। सृष्टि समाज और परिवार के संचालन में जितना योग एक पुरुष का है, उतना ही महत्व भूमिका एक स्त्री भी निभाती है, और जितने मान सम्मान का अधिकारी एक पुरुष है, उतनी ही अधिकारिणी एक स्त्री भी है। प्राचीन समय से ही स्त्रियां पुरुषों के समकक्ष समाज में योगदान दे रही है। अहिल्या बाई होलकर, रानी लक्ष्मी बाई, सावित्री बाई फूले, भिखाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, बरखा दत्त, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मिताली राज, तस्लीमा नसरीन, ये स्त्रियां समाज के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है, और इन महिलाओं की तरह ही जनजातीय महिलाओं ने भी अपना यथेष्ट समाज तथा देश को दिया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगी फूलमणि माझीन, फूलो झानो, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध डटकर विरोध किया। सिग्नी दय ने मध्यकालीन भारत में तुर्क पठानों का जमकर विरोध किया और उन्हें मार भगाया। इतना ही नहीं, जल जंगल जमीन को लेकर बिरसा मुंडा जी का जो उलगुलान था, उसमें भी कई महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। खेल जगत की वर्तमान की बात करें तो झारखंड की अंशुता लकड़ा, ब्यूटी डुंग डुंग, सलीमा टेटे, ये सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और नाम उल्लेख करना चाहूंगी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, सुशीला शामत। यह ना केवल एक गांधी जी के स्वतंत्रता सेनानी में इकलौती आदिवासी महिला थी, बल्कि पहली चाईबासा की पहली महिला संपादक और हिंदी भाषा की प्रथम कवित्री भी है। और इन सब के बावजूद आज भी स्त्रियों को जो है समाज में कम आंका जाता है। आज गांधी दिवस के अवसर पर मैं एक अपनी तरफ से एक और बात की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। प्रत्येक वर्ष नया जब आरंभ आरंभ होता है, नया वर्ष के आरंभ में नियत तिथि पर नया कैलेंडर छपकर आता है, और आप सभी इस बात पर ध्यान दीजिए कि हर दिन हर वर्ष नियत तिथि पर विवेकानंद जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती, यहाँ तक कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस को भी हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी भी पन्ने में किसी भी तिथि में महिला के नाम पर कोई छुट्टी या कोई दिवस अंकित नहीं है। तो इससे ही हम समझ
समझ पाएंगे कि ये भी एक उदाहरण है समाज में किस प्रकार महिलाएं उपेक्षित है। और इन्हीं सारी उपेक्षित महिलाओं के प्रति हमारे झारखंड की प्रसिद्ध कवित्री निर्मला पुतुल ने अपनी रचनाओं में समाज और पुरुष जाति से बारंबार प्रश्न किया है, क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते हुए उसके अस्तित्व की परिभाषा? मेरा यह शोध आलेख न केवल उनकी रचनाओं का अध्ययन मात्र है, बल्कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके आवास पर जाकर उनका साक्षात्कार लिया, और साक्षात्कार के दौरान मुझे यह पता चला कि निर्मला पुतुल जी न केवल लिखती है बल्कि वह राजनीतिक इकाई का एक हिस्सा है। वह अपने गांव की सरपंच है और साथ ही साथ उनका यह मानना है कि महिलाओं को आज के समय में आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो अस्तित्व का जो प्रश्न है वह हमारे एक सीमित दायरे हमारे परिवार से ही शुरू हो जाता है। उनका कहना है कि जब महिलाएं आर्थिक दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न होती है तभी उनको मान सम्मान प्राप्त होता है, और इस सबसे पहली लड़ाई जो होती है इस विषय को लेकर हमारे अपने परिवार से होती है। अगर हमें हमारे परिवार का सहारा और संबल प्राप्त होता है तभी हम मानसिक स्थिति से मजबूत होकर समाज में ठीक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आयोजन समिति। बहुत बहुत सविता मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। आपने कई उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया कि महिला आज किस तरह से समाज को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जिस तरह से आपने सुशीला सामंत का उदाहरण दिया कि राष्ट्र निर्माण में ही वो केवल महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है बल्कि वो एक कवित्री भी है और एक संपादक भी है, और इतना सब कुछ होने पर भी महिलाओं को आज कम आंका जाता है। जैसा आपने कहा कि गांधी जयंती मनाते हैं, नेहरू जयंती मनाते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, लेकिन महिला को किसी दिन याद नहीं किया जाता, उसके लिए किसी दिन छुट्टी नहीं होती। जिसके आपको ऐसा लगता है कि ये दर्शाता है कि नारी उपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से वो पहले नहीं जुड़ पाई थी, तो मैं उनको कहती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना शोध आलेख साहित्य के माध्यम से समाज को सशक्त करती वंदना टेटे पर अपने विचार को प्रस्तुत करें। धन्यवाद लक्ष्मी जी। सुप्रभात, मैं प्रतिभा यहाँ उपस्थित सभी विज्ञ गणों का अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मोदिता मैम के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच और ये अवसर दिया कि मैं अपने आलेख से की प्रस्तुति कर सकूं और उससे मुखातिब हो सकूं। स्त्री पुरुष समाज निर्माण के परस्पर पूरक तत्व हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही सशक्त समाज की स्थापना होती है। परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी नारी पुरुष से कमतर आंकी जा रही है और उसे लगातार बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत में नारियों को प्रेम, बलिदान, विनम्रता के प्रतीक के रूप में सराहा गया है। इसके बावजूद यह एक विडंबना है कि महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार तथा समाज के विकास के लिए स्वयं को मिटा दिया, उन्हें सामाजिक व्यवस्था में आज तक यथोचित स्थान नहीं मिला। अब याचना से नहीं अधिकार के साथ अपना हिस्सा प्राप्त करना होगा। इस समाज में युवतियां दहेज दानव का शिकार नहीं होती। जनजातीय समाज में श्रम की दृष्टि से भी स्त्री पुरुष समान है। इस समाज में जानने के क्रम में एक अद्भुत बात यह ज्ञात हुई कि स्त्रियों के लिए इस समाज में कोई गाली ही नहीं है, स्त्री सूचक कोई गाली नहीं है। अन्य समुदायों में बेटी का होना दुख का कारण माना जाता है, परंतु इस समुदाय में बेटी का होना या बेटा का होने में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए लिंगानुपात की दृष्टि से यह समाज बेहतर है। वंदना टेटे इस समाज की सशक्त महिला है जिन्होंने उस नब्ज को पकड़ा जिसके कारण इतनी खूबियों के बाद भी यह समाज पिछड़ा अंधविश्वासी कहलाता है, उस सम्मान का अधिकारी नहीं बन पाया है जिसका वह अधिकारी है।
साहित्य के माध्यम से वे समाज को अपने अंदर छिपे गुणों से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, इसलिए सम्माननीय हैं। बाहर लाकर ऐसा इन लोग अपने समाज को समुन्नत बना सकती हैं, क्योंकि लोक साहित्य नैतिक मूल्यों का शस्त्र है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सका है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आपकी आवाज बहुत कट रही है प्रतिभा, जल्दी से खत्म कीजिए, बीच बीच में कट जाती है आपकी आवाज। लक्ष्मी आप आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि वो कट गई हैं, उनका नेट कट जा रहा है। जी मेरा किसी तकनीकी कारणों के कारण खड़िया भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद भी साथ दिया गया। आदिवासी जीवन का मूल मंत्र जल जंगल जमीन को बचाना है, तभी जनजातीय संस्कृति फलेगी फूलेगी। इस भावना को प्रेषित करता यह काव्य संग्रह जनजातीय विमर्श की महत्वपूर्ण रचना है। स्त्री चाहे जिस समाज को भी आजादी के 75 साल बाद भी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि उसने भी पुरुष के पीछे चलने की परंपरा तोड़कर साथ चलने की ठान ली है। यही सार्थक विद्रोह उसके सशक्तिकरण का मार्ग भी है। इस संबंध में कुछ पंक्तियां हैं वंदना टेरे जी की। कई मोर्चों पर खड़ी लड़ रही है औरत, भीड़ में अकेली अनवरत, थकती टूटती फिर मजबूत करती खुद को खुद से। इस प्रकार विभिन्न राज्यों की अखंड एकता से ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है और वह विकास के पथ पर निर्विघ्न कदम बढ़ाता है। वैसे ही समाज का छोटा से छोटा अंग भी समाज की उन्नति में सहायक होता है। जैसे राम सेतु के निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी के अवदान को भी अब सराहा जाता है, तब अनुसूचित जाति जनजातीय समाज आजादी के इतने अरसे बाद भी हाशिए पर क्यों खड़ा है, क्यों इनके कष्टों का सिलसिला थम नहीं रहा। आज ये बोल रहे हैं, गढ़ रहे हैं इतिहास, फिर भी वह पहचान बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, जिससे इन्हें मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण अंग मान लिया जाए। वंदना टेटे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता मन कर्म वचन से इस दिशा में प्रयत्नशील है, अपने समाज की ताकत बन उनकी हिम्मत बढ़ाने का अनुपम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद मुझे इतना धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, मैं आप लोग सभी की आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिनिधि, आपने टेटे को आधार बनाकर जो अपना शोधालेख लिखा है वो बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक है। आपने बताया है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय लिंगानुपात दृष्टि से सभ्य समाज से कहीं श्रेष्ठ है। साथ ही वंदना टेटे अपनी रचनाओं के माध्यम से ये भी दर्शाती है कि किस तरीके से अभिन्न एकता से एक सुदृढ़ राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अर्चना कुमारी, DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सहायक अध्यापिका हैं और उनका शोध विषय है शिखर को छूती जमुना टुडू। अर्चना कुमारी महोदया जी। जी, मैं अर्चना कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप सभी गुरुजनों का सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज के सशक्तिकरण में जनजातीय महिलाओं का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी ही महिला जमुना टुड्डू के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनका पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।
जमुना टुड्डू झारखंड ही नहीं संपूर्ण भारत और विश्व जनजाति महिला सशक्तिकरण की अमिट हस्ताक्षर हैं। मैंने इस शोध आलेख के लिए उनका साक्षात्कार लिया और मैंने उनसे बहुत सारी बातें इस बारे में की कि वो उनको यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में जाना। जमुना जी का योगदान वन संरक्षण और अन्य सामाजिक कार्यों में प्रशंसनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने वन संरक्षण के लिए वन माफियाओं से लोहा लिया, उनके घर में डकैती हुई या फिर उनके ऊपर हमला भी हुआ, तब भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। यही कारण है कि हम उन्हें लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने इरादों पर डटी रहती हैं। अपने गांव के आसपास की 50 हेक्टेयर भूमि पर उन्होंने वन संरक्षण का कार्य किया, साथ ही साथ वनों में नए पौधे भी लगाए। आज उनके प्रयास से 300 वन सुरक्षा समितियां कार्य कर रहे हैं। वह अपने एनजीओ महासमिति द्वारा भी पूर्वी सिंहभूम में पौधारोपण और समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। वह अपने कार्य को पूर्वी सिंहभूम जिले तक सीमित नहीं रखना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उनके कार्य पूरे भारत वर्ष में फैले। इसके लिए वह फाउंडेशन जोहार भारत नामक एनजीओ बना रहे हैं। जमुना जी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, साथ ही साथ उन्हें अनेक अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे राज्य स्तरीय वन महोत्सव पुरस्कार, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड, प्रथम 100 महिलाओं का सम्मान आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है, चर्चा की है। उनका कहना है कि जमुना टुड्डू के कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जिस प्रकार से उन्होंने लकड़ी माफियाओं और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक कार्य किया, उन्होंने न केवल 50 हेक्टेयर जंगल को तबाह होने से बचाया बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट किया और उन्हें पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज गांव वाले बच्चे के जन्म पर 18 तथा लड़कियों की शादी पर 10 पेड़ लगाते हैं। जमुना जी चाहती हैं कि सरकार भी उनकी पहल में शामिल होकर वनों में को बचाने में आगे आए। वन सुरक्षा समिति में शामिल महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक मदद भी मिले। जमुना जी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अपने कार्यों को जीवन पर्यंत जारी रखना चाहती हैं। पेड़ पौधों को काटने से जिस प्रकार पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पेड़ पौधों को भी बचाएं, साथ ही साथ नए पौधे लगाएं। जमुना टुड्डू जैसी जनजातीय महिलाओं ने समाज को जागृत करने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। उनकी शिक्षा मात्र कक्षा 10 तक हुई है। आर्थिक रूप से भी वह बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं। फिर भी उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित किया। हम कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति रहने पर मुश्किल से मुश्किल कार्य को किया जा सकता है, चाहे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो या नहीं। जहां चाह रहती है वहां राह खुद ब खुद निकल आती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयां तो आती हैं, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक साधारण सी महिला भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकती है। उड़ीसा के एक जमुना जी उड़ीसा के एक ऐसे प्रदेश से आती हैं जहाँ की जमीन पथरीली है, पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु विवाह उपरांत वह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में आई और यहाँ की हरियाली देखकर उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि पेड़ पौधे से उन्हें बचपन से ही लगाव था। पर वन के अंदर जाकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है।
तब उन्होंने ठाना कि उन्हें वन बचाना है और अपने आसपास के लोगों को वनों के प्रति जागरूक किया। जमुना टुडू जैसी महिलाएं हमारे समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण में इन महिलाओं का योगदान हमेशा हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद। यहाँ सभी गुरुजनों को मेरा आभार। इसके साथ ही मैं अपने शोधालेख को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। आपने अपने शोधालेख के माध्यम से यह दर्शाया कि किस तरह से आज हमारा जो प्रकृति है वो असंतुलन की ओर अग्रसर हो रहा है। लोग वृक्षों को काट रहे हैं और अपने ही पैरों पर अगर देखा जाए तो वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस नजरिए से यदि देखा जाए तो आपका यह शोधालेख बहुत ही प्रासंगिक है। आपने बताया कि यमुना टुडू तो लेडी टार्जन के रूप नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने वन संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया है, यहाँ तक कि उन्होंने नक्सलियों से भी लोहा मनवाया और उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जैसे राज्य स्तरीय वन महोत्सव पुरस्कार, साथ ही उद्यम पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत आभार। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर सुनीता गुड़िया, जो कि जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वो अपना शोधालेख उभरती युवा कवित्री जसिंता केरकेट्टा का साहित्यिक योगदान विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत करें। मैं सुनीता गुड़िया आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अंतर विषयीय सम्मेलन को आयोजित करने वाली एबीएम कॉलेज गोलमुरी की परम आदरणीय श्रद्धेय प्राचार्य मुदिता दी, द्वितीय सत्र के अध्यक्ष भूटिया जी, विशेषज्ञ समिति डॉक्टर जूही समर्पिता जी, आयोजन समिति, परामर्श समिति, सहयोग समिति और सभी शिक्षक बंधु, देश विदेश से जुड़ने वाले शोधार्थी एवं प्रतिभागियों को इस आभासी मंच पर उपस्थित सबों को मेरा जोहार। मेरा आलेख का विषय है उभरती युवा कवित्री जसिंता केरकेट्टा का साहित्यिक योगदान। आदिवासी हिंदी महिला साहित्यकारों ने अपनी संस्कृति, भाषा, इतिहास, भूगोल को जानने, समझने, पड़ताल करने और उसे रूबरू बाह्य जगत से करने की जो चेतना उनमें उभरी है, अचानक वे इन पंक्तियों में कह उठती हैं, हम एक ऐसे समाज हैं जिनमें मूल्यों का ना तो ह्रास हुआ है ना ही उनमें विकृति आई है। हम सामूहिक जीवन प्रणाली में जीते रहे हैं, समाज और समूह में रहते रहे हैं। तुम्हारे द्वारा दी गई कठिन जिंदगी को अपने गीतों, अपने नृत्यों से भुलाते रहे हैं। तुमने हमें सभ्यता से दूर खेला, विस्थापित किया। हमने बांसुरी और नगाड़े से आपसे संवाद रखा। हमने अब यह संवाद नाद बनकर फूट पड़ा है। बांसुरी को हमने मसाल बना लिया है। इसी नाद के तहत आज आदिवासी समुदाय की महिला साहित्यकार जसिंता केरकेट्टा ने समकालीन साहित्य में अपना नया मुकाम हासिल किया है। जसिंता केरकेट्टा का जो जन्म है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जिले से सटे झारखंड जिले में झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित मनोहरपुर प्रखंड के खुदकोस गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ। आर्थिक संकटों के होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लगातार जारी रही। अब उसके इस संघर्ष में उसकी माता ने अपना ये साथ दिया है। उनकी माता ने इनकी पढ़ाई की ललक को देख करके इनके लिए अपने खेतों को उन्होंने बेचा और इसकी पढ़ाई को जारी रखी है। और वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई रांची संजीवियर से इन्होंने की। और जब इन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी तो इन्हें आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की, लोगों के घर घर जाकर उन्होंने सामान भी बेचा। ऐसी महान शख्सियत जो आज एक स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। आज वो वायर समाचार पत्र के लिए लिखती है, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने आलेखों के माध्यम से आदिवासी जन समुदाय को सचेत करती है, जागरूक करती है और उन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है। जैसे कि हम देखते हैं उन्हें 2014 में थाईलैंड द्वारा इंडिजिनस वॉयस ऑफ एशिया का
रिकॉग्निशन अवार्ड मिला। 2014 में उन्हें इंडिजिनस पीपल्स ऑफ एशिया फोरम द्वारा कविताओं के लिए भी इसे सम्मानित किया गया। इन्हें फेलोशिप भी मिला और इन्हें रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार से भी, अपराजिता पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अभी हाल में इन्हें मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने निर्मला पुतुल की राह को अग्रसर करती हुई पर्यावरण और जातीय स्मृतियों के साथ उनकी कविता को एक सहज महसूस किया जाता है। उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता के निर्वासन, उन्हें अपने जंगलों, पहाड़ों, नदियों से बेदखल कर देने के खिलाफ खड़ी है और दूसरी ओर एक स्पष्ट प्रतिरोधी राजनीतिक चेतना के साथ समकालीन सत्ता से लोहा लेने का प्रयास करती है। अपनी कविता, कहानी, आलेखों के माध्यम से वह दुनिया के समक्ष आदिवासी समाज के दुख, दर्द, विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। जंगल, जल, जंगल, जमीन से जुड़े संघर्ष की वो घोषणा अपनी कविता में करती हैं। फूल की हत्या कविता में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों में ये शब्द उद्धृत किए हैं। सन 1855 का प्रतिरोध झूल गई थी जिस पर संथाल फूल के अगुआ सिद्धों की शोषण के खिलाफ युद्धरत आत्मा उसकी देह में अंतिम बार निकली। पसीने की गंध, कुचले होल की सिर उठाती गंध, बह रहे जंगल की सिराओं में पारे की तरह आज भी, और ये कविता की पंक्तियां आज लोगों को सशक्त करते हुए आगे बढ़ रही है। और वो आदिवासी महिला होने के नाते वह आदिवासी महिलाओं को स्थानीय दलालों से भी सचेत करते हुए कि तुम्हारे आंगन में वो शख्स कौन है, आकर बैठता है वो घंटों जब तुम चाय बनाती हो। इस तरह से वो कविता के माध्यम से वह लोगों को जागृत करने का प्रयास करती है और इस सभ्य समाज को अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहती है। उन्हें इंतजार है हमारे सभ्य होने की और हमें इंतजार है उनके मनुष्य होने की। मैं अपनी वाणी को यहीं इतना ही कह करके विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आपने जसिंता केरकट्टा, जो कि आदिवासी समुदाय की समकालीन साहित्य में एक नया मुकाम हासिल कर चुकी हैं, आपने उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताते हुए यह दर्शाया है कि उन्होंने अपने आलेखों के माध्यम से आदिवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है और उसी इस कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात इसी क्रम में मैं आगे बुलाती हूँ नफीसा खातून को, जो कि शोधार्थी हैं इतिहास विभाग की कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और इनका शोध विषय है समाज के सशक्तिकरण में संथाल महिलाओं की भूमिका। नफीसा खातून जी। धन्यवाद मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मैडम। आजादी के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विषय सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय प्राचार्या महोदया, मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, आलेखकर्ता, श्रोतागण और सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम, जोहार। मैं नफीसा खातून, शोधार्थी, इतिहास विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा से। मेरा विषय है समाज के सशक्तिकरण में संथाल महिलाओं का योगदान। ऐसे अगर सशक्तिकरण की बात की जाए तो किसी भी समाज, किसी भी समुदाय से अगर वो महिला जो है बिलोंग करती है तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या यहाँ ये सत्य है कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए? मेरे हिसाब से तो आत्मनिर्भर का सही अर्थ है कि शारीरिक रूप के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकती या हासिल नहीं करना चाहती जो कि उन्हें दुनिया को फेस करके उस चीज को पाना है। अगर हम भारत में आदिवासी महिलाओं की कुल आबादी की बात करें तो लगभग जो महिलाएं होती हैं
वो लगभग पुरुषों के बनिस्बत आधा हिस्सा माना जाता है। और ये पुरुषों के बनिस्बत आधा हिस्सा तो होती है, लेकिन ये उनके तुलना में कम साक्षर होती है। साक्षरता नहीं होने के कारण या शिक्षा का ज्ञान नहीं होने के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना जो औरतें करती हैं या महिलाएं करती हैं, कई बार वो अपनी समस्याओं को किसी से कहने से, किसी के साथ शेयर करने से वो हिचकिचाती है। अगर स्पेशली वो स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे वो किसी को बोलने से कतराती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी जो समस्या होती है, जो वो छुपाती है, वो उनको जान पे बनाती है। तो इसी प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों को या महिलाओं को शिक्षित करकर उसे अवेयर किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर आदिवासी समाज की बात करें तो श्रम के मामले में अगर हम बात करें तो स्त्री और पुरुष जो है, स्त्री भी किसी भी तरह से अपने कार्य करने में या कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं है। वो हमेशा पुरुषों की तुलना में या पुरुषों की बराबरी में कार्य करती हैं। अगर वो रोजमर्रा की बातें की जाए, जो घरेलू जो कामकाज है उसमें बात किया जाए, या फिर जो खेतीहर जो मजदूर के रूप में जो महिलाएं कार्य करती उसकी उसकी बात की जाए, तो भले ही पुरुष जो है वो हल चलाने का कार्य करते हैं, लेकिन महिला जो होती है वो खेतों में बुआई से लेकर के कटाई तक का जो काम होता है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करती है। इतना ही नहीं, कटाई के बाद भी जो फसल को बाजार तक ले जा करके बेचा जाता है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए महिला जो है वो पुरुषों से कहीं भी कम नहीं मानी जाती है, कम नहीं आंकी जाती है। बहुत सारी जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए या उनकी महिलाओं की स्थिति को या उनके जो जीवन में आए उतार चढ़ाव की बातें करें या ऐसी परिस्थिति में समझने के लिए हमें औरतों को या महिलाओं को अलग अलग रूप में देखना पड़ता है। जैसे कि हमें उन्हें एक बेटी के रूप में जानना, एक अविवाहित महिला के रूप में, विवाहित महिला के रूप में, विधवा महिला, तलाकशुदा, बांझ महिला या गर्भवती महिला, इन सब का अलग अलग अध्ययन करके जानना कि उन्हें उस समय या उस एज में या उस जो अवस्था है उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक और रोजमर्रा की जो घरेलू गतिविधियों है उसमें महिलाओं के कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में खान पान, भाषा, औजारों, संसाधनों और अपनी जो वेशभूषा है उनको लेकर के जो भी महिलाएं हैं वो आज के समाज से बिल्कुल भिन्न है। प्राचीन काल से ही अगर हम बात करते हैं, इसके अस्तित्व की बात करते हैं, तो भारत में पाए जाने वाले जो शैल चित्रों में वर्णित किया गया है, इन चित्रों को ईसा पूर्व 5 से 50 शताब्दी के बीच निष्पादित किया गया है। इसमें ऐसी औरतों के बारे में बताया गया है या ऐसी औरतों को चित्रित किया गया है जो प्रतिदिन के जो कार्य करती हैं, जैसे करना, टोकरी बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, इस तरह बातें बहुत सारी है, लेकिन शायद वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बताया कि सशक्त बनाने की आवश्यकता है, बल्कि उनके साथ साथ मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और हमारी आदिवासी महिलाएं तो वैसे भी सशक्त हैं। आपने बताया कि किस तरह से वो टोकरी बनाकर, पते से छोटे छोटे कटोरियों का निर्माण करके वो अपने आप को सशक्त बना रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशिक्षा जो है उनके मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। तो आपके शोधालय से निश्चय ही बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं शेख मसूद, जो एवीएम कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के व्याख्याता हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने शोधालेख भारतीय समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के योगदान का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर अपने आलेख को प्रस्तुत करें। शुक्रिया। मैं शेख मसूद, अब्दुल बारी महाविद्यालय में कार्यरत समाजशास्त्र विभाग में शिक्षक
आज के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं शेख मसूद अब्दुल बारी मेमोरियल महाविद्यालय में कार्यरत समाजशास्त्र विभाग में शिक्षक के रूप में आपसे जुड़ा हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तमाम विद्वानों एवं मेरे तमाम अभिभावक और मेरे सहभागी के साथ मैं अपने विचार अपने शोध पत्र को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। झारखंड का नमस्कार और जोहार। आज के वर्तमान परिदृश्य में हम जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर आकलन करने से पहले उनकी सशक्तिकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। सशक्तिकरण शब्द को ही जानना जरूरी है। मेरे विचार यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाकर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की प्रक्रिया को आगे प्रदर्शित और विकास की डोर की ओर ले जाना। आज हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस महागोष्ठी का आयोजन किया गया या सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका यह उद्देश्य है कि हम जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की भूमिका में उनके योगदान को सराहाया जाए और किस तरह से व्यवस्थित होकर व्यवस्था में बदलाव लाकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। एक पंक्ति है कि एक शिक्षित नारी ही शिक्षित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। आंकड़े ये बताते हैं कि अब हमारी महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आधी आबादी का जो उनको वरदान दिया गया है वो एक बदलाव की बहार ले आ रही हैं। झारखंड के प्रदेश में शैक्षणिक खेलकूद राजनीतिक एवं तमाम क्षेत्रों में हमारी महिलाएं अब अपनी महान भूमिका और अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कहना उचित होगा कि सही मायने में सही आईना दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है और हमारा उत्तरदायित्व भी है। आज हमारे झारखंड की शैक्षणिक जगत में सिंधु कानू विश्वविद्यालय में कार्यरत आदरणीय सोनारा जी मंज कुलपति पद पर सुशोभित है। ये हमारे जनजातीय महिलाओं की उनकी धमक और उनकी पहुंच बताती है कि उन्होंने शैक्षणिक परिदृश्य को किस तरह से और शिक्षा जगत में अपनी अहम भूमिका को बताया है। उनकी पढ़ाई रांची से शुरू होकर वे विभिन्न विश्वविद्यालयों से पढ़ाई कर एमफिल की पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले भोपाल के बरकतुल्ला इंस्टीट्यूट में उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने मदुरई में गणित के व्याख्याता के रूप में काम किया। कुलपति होने से के पद पर आसीन होने से पहले उन्होंने जेएनयू में भी कार्य किया। उनका पूरी जिंदगी उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी निर्मल मिंज की पुत्री ये गर्व महसूस कराती है हमें कि हम झारखंड के लोग और झारखंड की लड़कियां और हमारी महिलाएं अपनी स्थिति दमदार तरीके से और हमारे लिए एक रोशनी की किरण के रूप में दिखाई दे रही हैं। मेरा यह शोध ये बात कहने का ये कारण ये है कि आज हमारी महिलाएं पिछड़ रही हैं। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण औद्योगिक नीतियां, बेरोजगारी, विस्थापन और माइनिंग जो होता है खनन के द्वारा जो लोगों का विस्थापित कर दिया जाता है उससे लोगों के कनेक्टिविटी, लोगों की शिक्षा और उनके हक को मारकर हम कुछ नौकरशाही व्यवस्था को दोष देते हैं। ये गलत है। हमें व्यवस्था को बदलना नहीं व्यवस्थित होकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। यही बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम आने वाली नस्लों को और आने वाली औरतों की तमाम चीजों में भागीदारी और विकास हम अहम भूमिका में साथ देंगे। धन्यवाद। तमाम लोगों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शेख मसूद जी। आपका वक्तव्य काफी सही है। आपने बताया कि किस तरह से महिलाएं जो है वो सशक्त होती जा रही हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि जनजाति महिलाएं जो है वो बहुत ही कर्मठ होती हैं, परिश्रमी होती हैं, और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो केवल कार्य ही नहीं करती बल्कि राजनीति के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, साहित्य में,
इन सारे क्षेत्रों में वो आज अपनी पहचान छोड़ रही हैं, यहाँ तक कि कुलपति के पद पर भी आसीन हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपने ये भी दर्शाया कि महिलाओं के पिछड़ने का कारण ये नहीं है कि उनको हम लोग एक समान नजर से नहीं देख रहे, बल्कि ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें बदलने के बजाय खुद को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेख मसूद जी। तकनीकी सत्र में जितने भी प्रतिभागी थे उन लोगों ने आलेख प्रस्तुत कर लिया है। इसके बाद समय का अभाव होने के कारण मैं इसके पश्चात डॉक्टर जूही समर्पिता महोदया जो हमारे बीच जुड़ी हुई हैं और विशेषज्ञ समिति की सदस्य हैं, साथ ही साथ आप DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य भी हैं और आप बहुभाषी साहित्यिक संस्था सहयोग जमशेदपुर की अध्यक्ष हैं, संस्कार भारती, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, AIWC अन्वेषा, पटना विमेंस कॉलेज, एलुमनाई संघ, आदर्श सेवा संस्था आदि सामाजिक संगठनों से जुड़कर 30 वर्षों से निरंतर आप समाज सेवा कर रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में आलेख, कहानियां, लघु कथाएं, संस्मरण, यात्रा वृतांत, परिचर्चाएं नियमित रूप से आपकी प्रकाशित होती रही हैं। इसके साथ ही आपने कहानी संग्रह कथा कहानी संग्रह गूंज और पठार की खुशबू का भी संपादन किया है। भारतीय संस्कृति और लोकमानस, नारी अस्मिता और हिंदी सिनेमा का आपने सह संपादन किया है। साथ ही भोजपुरी पत्रिका अंगना, इसका भी आपने सह संपादन किया है। चली सजनी विवाह गीत का संग्रह किया है और सह संपादन किया है गीत सार का, और आपने गीतांजलि की पुनः प्रस्तुति भी की है, और आपका लिखा गया कहानी संग्रह कथा ले जो आज अमेजन पर भी उपलब्ध है, आपको संस्कृत कर्मी के रूप में 2004 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। अक्षर कुंभ द्वारा आपको अभिनंदित किया गया है 2007 ईस्वी में। साथ ही आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिक्षा पर कई शोध पत्र पढ़े और जर्नल में भी प्रकाशित हुए हैं, और अध्यापन के क्षेत्र में तो आपका 30 वर्षों का अनुभव है। ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को आज हमें सुनने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर जूही समर्पिता महोदया से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे बीच अपने विचारों को रखें। डॉक्टर जूही समर्पिता महोदया जी। धन्यवाद लक्ष्मी जी, सबको नमस्कार। आज 2 अक्टूबर, जैसा कि सबको मालूम है, दो अनमोल रत्न, दो अनमोल विभूतियों की जयंती का अवसर है, और आज इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरविषयी सम्मेलन में आभासीय मंचस्थ विद्वत जनों को सादर नमन। सबसे पहले मैं हिंदी विभाग ABM कॉलेज द्वारा समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं की योगदान को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करती हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आज आपके विद्यालय की, महाविद्यालय की, ABM कॉलेज की विदुषी प्राचार्य डॉक्टर मुदिता चंद्रा, जिन्हें आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा, JPSC द्वारा उन्हें चयनित किया गया है, प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया है, उनके सामने आज इतने सारे आलेख पढ़े गए, सचमुच, और आज का यह सेमिनार वेबिनार बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रही वरेण्य माननीय सम्मानित चुमकी भाटिया जी को भी सश्रद्ध प्रणाम करती हूँ। इधर हाल के दिनों में मैंने आपको कुछ आभासीय कार्यक्रमों में सुना है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और विशेषकर
शोधार्थियों को बहुत ही प्रोत्साहित कर रही हैं। मैं विषय पर आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ये इस सामयिक एवं विचारणीय विषय पर जो सेमिनार रखा गया है उसमें मुझे विशेषज्ञ के नाते बुलाया गया, कुछ आलेखों को पढ़ने का अवसर मिला और शोध पत्रों और आलेखों का जो प्रकाशन की भी योजना मैंने सुना कि हो रही है, तो इसके लिए भी मैं एबीएम कॉलेज को और आयोजनकर्ताओं को पहले विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि यह युग जो है वह यह दस्तावेजों का युग है। बिना डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए, बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी शोध का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और अगर हम आज डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार करते हैं तो फिर हमारी भावी पीढ़ी, भविष्य के जो शोधार्थी होंगे, वे हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूजयेत, हर काल हर युग में विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पर अब उनकी विद्वत्ता का भी पुख्ता प्रमाण कलमबद्ध कर प्रकाशित करना और इंटरनेट की दुनिया में नजर आना समय की मांग है। मुझे खुशी है कि एवीएम कॉलेज ने जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक योगदान पर आदिवासी महिलाओं के संघर्ष और उनकी व्यथा कथा सशक्तिकरण की मिसाल, जनजातीय महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां और उनमें सामाजिक जागरूकता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण आलेख और शोध पत्र पढ़ा। विशेषज्ञ समिति की सदस्य होने के कारण मैंने सभी शोध पत्र और आलेख गंभीरता से पहले भी पढ़े थे, लेकिन कुछ बातें जो मैं कहना चाहूंगी, समय बहुत कम है, कुछ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए आलेख कम थे अंतरराष्ट्रीय फलक पर अनुसूचित जाति की महिलाओं का योगदान पर कम लिखा गया, जनजातियों पर लिखा गया, अधिकांश आलेख जनजातियों पर थे, लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं का योगदान उस पर कम आलेख पढ़े भी गए। उन पर प्रकाशित पुस्तकों की उपलब्धता भी नहीं है, शायद इसलिए भी शोध आलेख कम लिखे गए। एक आलेख भारत के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय महिलाओं के योगदान शीर्षक से था। मैं नहीं जानती किसने लिखा था, क्योंकि लेखकों के नाम हमें नहीं भेजे गए थे, पर इस पत्र में भी जनजातीय महिलाओं पर अधिक फोकस था, अनुसूचित जाति की महिलाओं पर कम। अंतरराष्ट्रीय फलक पर देखें तो अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवाज 21वीं सदी में भी दबी हुई है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को अछूत ही माना गया है, उनके योगदान को कम आंका गया और आंकड़ों तथा कानूनी बहस तक ही सीमित रखा गया। इस वेबिनार में भी मैंने देखा कि जनजातियों पर अधिक अनुसूचित जाति की महिलाओं से संबंधित सिर्फ एक ही पत्र था। मुझे लगता है एक वेबिनार सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं के योगदान और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय फलक पर जातीय संघर्ष, नारीवाद, दलित संघर्ष, लैंगिक आर्थिक असमानता आदि विषयों पर व्यापक चर्चा हो सके। समाज के सशक्तिकरण में अनुसूचित जाति जनजातीय महिलाओं के योगदान को लिखने के बजाय कई लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर अपने आलेख लिखे हैं। महिला सशक्तिकरण तो हो चुका, अब समाज को की सशक्तिकरण का समय आ गया है, अब
समाज के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। भारत में जैसा कि हम देख रहे हैं, महिलाएं सशक्त हैं, संस्कारित हैं, श्रमशील हैं, सबल हैं, और अब ये सभी सशक्त महिलाएं मिलकर समाज को नई दिशा देने में सक्षम हैं। आपने देखा कोविड के दौरान इन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करते हुए, हमने देखा महिलाएं हर वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति हर वर्ग की महिलाओं को हमने देखा कि पुरुषों के साथ, डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्होंने इस भयानक त्रासदी को झेला। कल के सत्र में भी शायद अलका दंडोपाध्याय जी ने इस तरफ ध्यान आकर्षण किया था और श्रीमती टेटे ने भी इस तरफ इशारा किया था, लेकिन सशक्त सुंदर सुसंस्कारित समाज को गढ़ने में हर वैदिक, हर काल में, हर युग में, वैदिक काल हो या आधुनिक युग, महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह सब जानते हैं। और अभी कई आलेख जो प्रस्तुत किए गए उनमें भी ये बात कही गई, मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने हमेशा उन्हें हाशिए पर ही रखा है। स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के अलावा भी तो वीरांगनाएं थीं, जिनका इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। यदि आज हम अनसंग हीरोज जो होते हैं उनको लेकर चलें, तो ज्यादा मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ हम दे पाएंगे, भावी इतिहास हम रच पाएंगे, क्योंकि अनसंग हीरोज को छोड़ देंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। कई एक के बाद एक कई आलेखों को सुनने का मौका मिला, पढ़ने को भी अवसर मिला, लेकिन उन अनुसूचित जाति एवं जनजातीय महिलाओं को ढूंढ रही थी मैं, जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों में रहकर भी अपने समाज को सुदृढ़, सशक्त, सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मैरी कॉम, निर्मला पुतुल, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, रोज केरकेटा, जसिंता केरकेटा, सावित्री बाई फूले, तीजन बाई, दीपिका कुमारी, सेलेमा टेटे, ऐसे कई नाम हैं जो शिक्षित अचीवर कहे जा सकते हैं। इन्होंने अचीव किया है किसी न किसी फील्ड में, इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अनसंग हीरोज पर भी शोध आलेख प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। शायद इसीलिए आयोजकों ने समाज के सशक्तिकरण विषय के जनजातीय महिलाओं से जोड़ दिया था इस वेबिनार को। आप ले सकते थे उन जंगल में पत्ते चुनने वाली औरत को, या लकड़ी का बोझा ढोने वाली औरत, खेतों में धान रोपने वाली औरत, या वो औरतें जिन्होंने अपने घर, परिवार, समाज को किसी न किसी रूप में नई दृष्टि दी है, अपने समाज को की महत्वाकांक्षाओं को पर दिए हैं, सामाजिक उत्थान के विचार पाले हैं, नए भारत के सपने बुने हैं। इन औरतों को भी हमें अध्ययन क्षेत्र में शामिल करना चाहिए था, उन औरतों को शोध का विषय चुनना चाहिए था। मैंने अपनी कई छात्राओं को देखा है कॉलेज में और अपने अध्यापन के दौरान, जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हैं, बीए करके, बीएड करने के लिए वे हमारे पास आती हैं ताकि अपने गांव के स्कूल में पढ़ा सकें, या कभी अपने गांव के स्कूल की प्रिंसिपल बन सकें और अपने गांव में शिक्षा की अलख जगा सकें, जहां शिक्षा पहुंची ही नहीं हो। ऐसे गांवों से भी लड़कियां हमारे पास आती हैं बीएड करने के लिए और शिक्षक बनने के लिए।
मुझे याद आती है मेरी एक वो छात्रा थी जिसने सड़क पर रातें बिताकर दूसरों के घर में चौका बर्तन कर अपनी बीएड की और एमएड की फीस भरी थी। आज वह असिस्टेंट प्रोफेसर है। जूही, मैं तुम्हें रोक रही हूँ इस बात को कि आज इस सम्मेलन में उसके ऊपर 2-3 पत्र आ गए हैं जो तुम्हारी संरक्षण में रही थी और जिसने जिसको तुमने मदद की थी, उस असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर 2-3 आलेख हमारे इस सम्मेलन में आए हैं, इसीलिए तुम्हें ये खुशी मैं रोक कर दे रही हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कभी उसको भूल ही नहीं पाती हूँ, वो मेरे लिए आदर्श है, मिसाल है, और अगर मुझे तभी पत्र शोध पत्र लिखना हो तो मैं जरूर उस पर लिखूंगी कि उसने इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर अपनी बिरादरी की अन्य लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई परिवारों में कमाने वाले पुरुषों को कोरोना ने निगल लिया है, लेकिन मेरी एक और छात्रा है, अनुसूचित जनजाति से आती है और उसने पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी। उसका यह संघर्ष है क्योंकि वह चाहती है कि अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में वह नहीं, वह परिवार के किसी और या उसके समाज, उसके गांव के किसी और की मौत इस तरह से हो। जो कई आलेख आए उसमें एक आलेख था सदर प्रखंड के लुपुंगुटू क्षेत्र की महिलाओं के योगदान पर। मैं पुनः कहती हूँ कि मुझे नाम नहीं मालूम किसका वह आलेख था, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास था एक क्षेत्र की महिलाओं के योगदान को लेकर के उसने एक शोध पत्र लिखा। और अभी हाल में आपने ये भी देखा कि लाखों की संख्या में महानगरों से पलायन कर मजदूर अपने गांव लौटकर आ गए। उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की, नित्य प्रतिदिन नए तरीके से अपना नया व्यवसाय शुरू किया, खेतीबाड़ी शुरू की, और हर पल उनके साथ खड़ी रही उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी। क्या उनके सपोर्ट में, उनके साथ लगातार, उनके इमोशनल सपोर्ट में, उनके संबल बनकर, उनके त्याग तपस्या के बिना, इन माँ बेटियों बहनों के त्याग तपस्या के बिना क्या कोई सक्सेस स्टोरी लिखी जा सकती है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसी सशक्त महिलाएं जो सशक्त समाज का निरंतर निर्माण कर रही हैं, उनके विषय में कुछ आलेख नहीं लिखे जाने चाहिए थे? प्रतिस्थापित महिलाओं पर लिखने की बजाय आज इन पर शोध करें और एक दस्तावेज तैयार करें। रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट का काम ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों को खोजकर तराशना होता है। एक आलेख था बस्तर का अलिखित लोक महाकाव्य, हलबा और भतरा जनजातियों के संदर्भ में यह लिखा था। यह मैंने देखा, यह भी मुझे एक अच्छा प्रयास लगा। हाँ, एक बात और मुझे इन शोध आलेखों को पढ़ते हुए खटक रही थी, वह यह थी कि बहुत कम शोधार्थियों ने सही तरीके से रेफरेंस, या जिसे आप संदर्भ कहते हैं, संदर्भ सूची बनाई थी। संदर्भ सूची में सिर्फ किताबों और लेखकों का नाम देना ही काफी नहीं होता। आपने यदि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करते समय किसी आर्टिकल को पढ़ा है और आपने शोध पत्र में विद इन इन्वर्टेड कॉमा कोट किया है तो उसे एक नंबर दे दें। जैसे पहला कोट है तो उसे एक नंबर दे दिया, दूसरा कोट है तो उसे दो नंबर दे दिया, और इस तरह से आगे बढ़ते हुए जब आप आलेख अपना खत्म करते हैं तो अंत में संदर्भ सूची बनाते समय एक नंबर लिखकर उसके लेखक का नाम, किताब का नाम और पृष्ठ संख्या भी अवश्य लिखें जहां से आपने उन पंक्तियों को कोट किया है। यह लिखना बहुत आवश्यक है। प्रकाशक जानते हैं तो वह भी आप जरूर मेंशन कर दीजिए। इस तरह यदि आपने रेफरेंस लिस्ट नहीं तैयार किया है तो यूजीसी जर्नल्स में आपके आलेख स्वीकार नहीं किए जा सकते। 60-70 आलेखों में
जो मुझे दिए गए, शायद सिर्फ 17-18 शोध पत्रों में ही इसका पालन किया गया था, इस सूची का। और मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि आगे भविष्य में इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक आलेख था तीजन बाई के संदर्भ में, शोध पत्र था, इसने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया क्योंकि शोध पत्र उस फॉर्मेट में था जिस फॉर्मेट में उसे होना चाहिए था। बिल्कुल सही तरीका अपनाया गया था उस शोध पत्र को लिखने में। एक बात और है कि व्याकरण, तथ्यों के आंकड़े, तथ्य आंकड़े, संदर्भों का ख्याल भी हमें शोध पत्र लिखते समय अवश्य रखना चाहिए। हमें कोशिश यह भी करनी चाहिए कि अपने आलेखों को डिजिटली मुख्य धारा से जोड़ ले, सिर्फ एकेडमिया में ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक भी हमारी हमारी खोज, हमारे शोध आलेख पहुंच पाए। यह आवश्यक है आज के दिन में। आम लोगों तक भी सशक्त समाज की परिकल्पना में जनजातीय महिलाओं की भूमिका पहुंचाई जाए, यह भी उतना ही आवश्यक है जितना पुस्तक का प्रकाशन होना। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ले मशालें चल पड़ी हैं औरतें मेरे गांव की, अब अंधेरा दूर करेंगी औरतें मेरे गांव की। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक बार पुनः मैं हिंदी विभाग एबीएम कॉलेज को, विशेष कर दूरदर्शी प्राचार्य डॉक्टर मुदिता दीदी को मैं आभार प्रकट करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जूही समर्पिता महोदया जी, आपने सभी शोध पत्रों का बहुत गहन अध्ययन किया और यह बताया कि वैश्विक परिदृश्य में लिखे गए आलेखों की संख्या बहुत कम थी। इसके बाद हम सभी इस पर पुनः विचार करेंगे और ध्यान देंगे किस तरह की गलती हमसे न दोहराई जाए। और जनजातियों पर लिखा गया तो था, लेकिन आपका विचार था कि वो जाति पर नहीं लिखा गया था। जनजातियों पर बहुत सारे आलेख आए थे लेकिन जाति पर बहुत सारे आलेख नहीं आए थे। और साथ ही साथ आपने ये भी परामर्श दिया कि एक वेबिनार जो है अनुसूचित जाति के होने चाहिए, जिसमें केवल वैश्विक परिदृश्य में अनुसूचित जातियों का क्या योगदान है उस पर होना चाहिए, क्योंकि इस वेबिनार में जनजातियों पर बहुत सारे आलेख आ गए थे। तो आपका यह विचार शिरोधार्य है, हम सभी इस पर पुनः विचार करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाएं तो सशक्त हो चुकी हैं, अगर सशक्त करना है तो हमें समाज को सशक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपने ये भी परामर्श दिया है कि इतिहास में जिन महिलाओं के नाम उद्धृत नहीं है, जो गुमनामी के पन्नों में छिपे हुए हैं, उन्हें ही हमें उजागर करके सामने लाना है और यही शोधार्थियों का मुख्य कार्य है। तो हम सभी शोधार्थियों के लिए आपका यह वक्तव्य बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। हम सभी इस पर आपके जो आपने विचार रखे हैं उस पर विचार करेंगे और पुनः इस तरह से चाहेंगे कि आप जो भी हम से अपेक्षा रखती हैं उस पर हम खरे उतरें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जूही समर्पिता मैडम जी। और हमारे बीच में जुड़ी हुई है सिक्किम से डॉक्टर चुकी भूटिया जी, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके विषय में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर चुकी भूटिया जी की हिंदी साहित्य में विशेष रुचि है। इसी रुचि के कारण उन्होंने स्नातक से लेकर शोध तक हिंदी साहित्य का अध्ययन किया और उनके शोध का विषय सिक्किम को विशेष रूप से उन्होंने रेखांकित करते हुए पूर्वोत्तर में हिंदी की स्थिति को चुना। इनके शोध विषय से ही हिंदी के प्रति उनकी जो रुचि है वो स्पष्ट जाहिर हो जाती है। साथ ही साथ उनकी कथा साहित्य में भी विशेष रुचि है, इसलिए उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, उनकी कुछ कहानियां छपी भी हैं। काव्य लेखन में भी विशेष रुचि है। केंद्रीय हिंदी संस्थान से प्रकाशित हिंदी भूटिया शब्दकोश निर्माण में उनकी सहभागिता है।
सिक्किम की प्राथमिक और माध्यमिक में हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण सहभागिता उन्होंने निभाई है। ओरिएंटल ब्लैक स्वान लिमिटेड द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के तहत सिक्किम की भाषाओं का हिंदी अनुवाद और सिक्किम की लोक कथाओं के संपादन कार्य में भी आप कार्यरत हैं। पत्र पत्रिकाओं में निरंतर उनके शोध आलेख जो हैं वो प्रकाशित होते रहे हैं। आकाशवाणी में लगातार उनकी वार्ताएं प्रसारित होती रही हैं। साथ ही कई संस्थान संगोष्ठी में आमंत्रित वक्ता के रूप में भी आपको बुलाया जाता रहा है और आपके इन सभी सराहनीय कार्यों के आपको विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे सिलीगुड़ी युवा जागृति संघ के द्वारा हिंदी सेवी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, बिहार साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है और राजस्थान के नामचीन साहित्यिक संस्था साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा ने हिंदी भाषा भूषण की मानित उपाधि से भी आपको सम्मानित किया है। हम सभी काफी गौरवित हैं आपको सुनने के लिए। बहुत हम सभी चाहते हैं कि आप हम सभी के बीचों में अपने के विचारों को रखें। हम डॉक्टर चूकी भुटिया जी, आप अपने विचारों को हम सबों के समक्ष व्यक्त करें। आपसे विनम्र आग्रह है। यहाँ ऑनलाइन पोर्टल में उपस्थित सभी का मैं सभी को मेरा अभिवादन और एबीएम महाविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम आपको, और आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगी। और यहाँ मुझसे पहले विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थी जूही समर्पिता मैडम, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों की तरफ उनका इशारा रहा और उन्होंने काफी हद तक मेरे काम को लगभग निभाने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। और यहाँ ऑनलाइन पोर्टल में उपस्थित अन्य जितने भी विद्वान विदुषी मौजूद है उनका भी मैं वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है और इसीलिए अभी तक प्रस्तुत जो भी शोध पत्र रहे हैं उन पर संक्षेप में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। जैसे 13 पत्र मेरे पास भेजे गए थे जिनमें से 10 लोगों की यहाँ प्रस्तुति हुई थी और मुदिता मैडम ने पहले अपने स्वागत वक्तव्य में इस बात की तरह संकेत किया था कि इन पत्र पत्रिकाओं में जो भी खामियां हैं उनकी तरफ भी मैं संकेत करूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि जो भी पत्र प्रस्तुता रहे हैं वे सब डॉक्टर और प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, उनकी खामियों को गिनाना कुछ मुझे उचित नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूं, मैं सारे पत्रों से गुजरी हूं, सारे शोध आलेख मेरे द्वारा पढ़े गए और मुझे इस बात का आभास हुआ कि जिसको हम शोध कहते हैं और जैसे जैसे शोध में जो गंभीरता होनी चाहिए उस गंभीरता का अभाव मुझे यदा कदा पत्रों में दिखा। और जैसे अभी जूही मैडम इस बात की तरफ भी संकेत कर रही थी कि इन पत्र पत्रिकाओं को आप एक पुस्तकीय रूप में या आकार देने के क्रम में भी उस प्रक्रिया में भी आगे गुजरेंगी, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी सारे पत्र शोध पत्र हैं उन सब में थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है और उसमें मतलब कुछ सुधार या कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता है या शोध की जो गंभीरता है और जिसका अभाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। और जैसे आपके विषय विशेषज्ञ ने इस बात की तरफ संकेत किया कि शोध हम जिसको कहते हैं उसके संबंध में जो आपके शोध संदर्भ ग्रंथ होते हैं उसके तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जैसे शोध जब हम करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपके द्वारा जो साहित्यिक शोध पूर्व जो साहित्यिक पुनरावलोकन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, उस पर हमारा ध्यान हमेशा केंद्रित रहना चाहिए ताकि आप इस बात को सिद्ध कर सके कि आपके द्वारा जिस विषय का चयन किया गया है वह विषय अपने आप में कितना मौलिक है। और उसकी जो कमी है उसका आभास मुझे लगातार शोध पत्रों में दिखा।
और जैसे 10 शोध आलेख मेरे सामने पढ़े गए, जिसमें मैं क्रमवार उस तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है। तो जैसे उपेक्षित आदिवासी स्त्रियां तथा विलुप्त होती संस्कृति के प्रति निर्मला पुतुल की संचेतना, ऐसे कई विषय रहे जिसमें आपने निर्मला पुतुल पर बात की, या फिर आपने वंदना टेटे का भी एक आलेख आया था, वंदना टेटे पर है, या फिर जसिंता केरकेट्टा है, कई ऐसे महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर आदिवासी क्षेत्र में लिख रही हैं, या सुशीला टोटाघोरे की तरफ भी आपने ऐसा आलेख हमारे सामने दिखा। तो कई महत्वपूर्ण जो हिंदी में आदिवासी या दलित साहित्य को लेकर अपना महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हमें साहित्य या हिंदी विधा या अपनी भाषा में एक महत्वपूर्ण अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करने वाली महिलाओं का चित्रण तो आपने अपने शोध आलेखों में किया ही किया है। कई शोध आलेख ऐसे भी नजर आए जो जैसे सुनीता सोलंकी है, उनका शीर्षक बहुत आकर्षित करने वाला है कि आम से खास। तो ऐसे कई लोग, ऐसे कई आदिवासी स्त्रियों का भी आपके शोध आलेख में उल्लेख मुझे दिखा, जो आम है, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है, जिसको दुनिया नहीं जानती है, लेकिन अपने आसपास के परिवेश को जिन्होंने लगातार अपने कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है, और यह एक तरीके से इन लोगों का इस तरीके से इस संगोष्ठी में प्रस्तुति होना और उनके नाम से हम 100 लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उनका परिचय होना ही अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यह संगोष्ठी अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जो बड़े हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, उनकी तरफ तो लोगों का लगातार ध्यान जाता ही जाता है, लेकिन इन संगोष्ठियों के माध्यम से और शोध की प्रक्रिया से निरंतर जुड़े रहने वाले जो शोधकर्ता हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह समाज के अपने आसपास बैठे हुए, अपने आसपास के सक्रिय उन महान विभूतियों का चित्रण करे जिसको दुनिया नहीं जानती है। तो मुझे लगा कि इन जितने भी सारे शोध आलेख आए उनमें से जो बिल्कुल आम है अपने समय और समाज में, लेकिन जिनका उद्धरण देने का कार्य इन शोध आलेखों में किया है, वह सही मायने में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। जैसे निर्मला पुतुल की संचेतना पर बात करते हुए सविता पॉल ने अपनी बात को स्पष्ट किया कि कैसे निर्मला पुतुल की रचनाएं उनके जीवन के तिक्त जो अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति का प्रतिफलन है। उनका साहित्य एक तरीके से साधारण जो महिलाएं हैं उनकी असाधारण जो स्थितियां हैं उसका चित्रण करने का काम करती है। जैसे वहां जमुना टूडू जी हैं, उनको हम नहीं जानते हैं, जमुना टूडू जी का उल्लेख किया है, या उभरती युवा कवियत्री के रूप में जसिंता केरकेट्टा का जो नाम का उल्लेख, या फिर शोध आलेख के रूप में या शोध आलेख का जो प्रारूप होता है या शोध की जो गंभीरता होती है, वह गंभीरता कहीं ना कहीं मुझे जनसत्ता केरकेट्टा पर केंद्रित जो शोधालेख है वह उपयुक्त लगा। और उन्होंने ठीक है कि अपने साहित्य और कला के माध्यम से किस तरीके से अपने आदिवासी समाज का नेतृत्व किया और अपने समय और समाज को वह प्रभावित कर रही हैं, इस तरफ उन्होंने संकेत किया। नफीसा खातून के द्वारा समाज के सशक्तिकरण में महिलाओं की जो भूमिका है उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया। तो मतलब लगभग जितने भी सारे लोगों के द्वारा जो भी पत्र की प्रस्तुतियां हुई वह अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय था, और उदाहरणों के माध्यम से या जिन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों पर काम किया है उनके साहित्य है, उनकी कविताएं हैं, उनके उदाहरणों के माध्यम से अपने उनकी महत्ता को स्पष्ट करने का कि कैसे इन्होंने अपने क्षेत्र में सक्रियता दिखाई और कैसे अपने समय और समाज को एक प्रबल आवेग की दिशा में, हमेशा एक सचेत होने की दिशा में उनको लेकर जा रही है, इसकी तरफ आपने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है। सबका आलेख जो वाचन है या सबका जो आलेख था महत्वपूर्ण था। जितने भी प्रस्तुतकर्ताओं ने यह प्रस्तुति दी है सबको सब बधाई के पात्र हैं, सबने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की है। लेकिन फिर भी मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर हमेशा चीजों को मूल्यांकन करने की दिशा में आगे बढ़ता है, और जैसे मुझे लगा कि सब लोग आए, 10 लोग जिन्होंने भी अपने पत्र की प्रस्तुतियां दी है
उन प्रस्तुतियों में मुझे इस बात का आभास हुआ कि आप आ रहे हैं तो किसी रचनाकार विशेष पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके जीवन परिचय पर इतना ध्यान केंद्रित ना करके उनका जो साहित्यिक योगदान है जिसके वो केंद्र में रखकर आपका शोध किया जा रहा है, तो उस पर अगर आपका फोकस रहता तो आपने अपने शोध आलेख में जो लिखा है उसको सभी श्रोताओं के सामने आप विधिवत तरीके से प्रस्तुत कर पाते, ऐसा मुझे आभास हुआ। क्योंकि जैसे ये जो शोध आलेख है वह हमारे कुछ एक लोगों के पास में ही है, यहाँ पर जितने भी श्रोता मौजूद हैं उनके पास में इसकी उपलब्धि न होने से आपके द्वारा शोध के जो भी निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपने शोध किया है तो शोध में आपके आपकी अपनी क्या दृष्टि है, आपने उसका क्या निचोड़ निकाला है, उस निचोड़ को अगर आप श्रोताओं के सामने नहीं रख पाते हैं तो फिर आपके शोधालेख के वाचन करने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। इसीलिए कहीं भी जब हम प्रस्तुति देते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहे, और लेखक के परिचय पर इतना ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी रचनाओं पर हमारा फोकस रहे और काव्य और साहित्य के माध्यम से वह किस तरीके से अस्मिता के संकट या अपनी भाषा है, संस्कृति है, इन सब का उल्लेख अपने साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं, इस बात की तरफ अगर आपका फोकस रहता, ध्यान रहता, तो आप अपने निचोड़ या अपने निष्कर्ष तक सीधे पहुंच पाते और श्रोताओं को अपने पत्र वाचन के माध्यम से उनको लाभान्वित कर पाते, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये तो जैसे एक था कि यह शोध आलेख के ऊपर मेरा जो थोड़ा बहुत जो भी मुझे समझ में आया उन विचारों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं स्वयं पूर्वोत्तर प्रांत से जुड़ी हुई हूँ, मैं सिक्किम में हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ और स्वयं एक आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई हूँ। हमारे जो संचालक महोदया है उन्होंने मेरा, मैंने जो परिचय दिया उस परिचय का बहुत सुंदर ढंग से वाचन किया, लेकिन ठीक है कि हम जिस भूमिका में या जिस क्षेत्र में कार्यरत है उस पर हमारे ऊपर लगातार इस बात का दबाव रहता है कि हम कुछ निरंतर करते रहे ताकि एक मार्किंग का जो डर रहता है, एपीआई की जो चिंता होती है वह हमेशा लगातार हमारे ऊपर हावी रहता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं साहित्य और समाज संस्कृति के प्रति हमारा कितना सरोकार जुड़ता है वह ना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण हमारे ऊपर इस बात का रहता है कि कहीं एनुअल रिपोर्ट में हमारे पास लिखने को कुछ ना आए तो हम क्या लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हम जैसे जो किसी पद पर आसीन है हमारे ऊपर दबावों का एक अलग स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कई महिला साहित्यकार या कई महिलाएं ऐसे हमारे समाज में मौजूद हैं जिन महिलाओं ने अपने होने के जो भाव है उसको हमेशा बनाए रखा है, उन्होंने अपने वजूद को अपने अस्तित्व को न केवल बनाया है बचाया है बल्कि अपने होने के वजूद के साथ में अपनी समाज और संस्कृति की उपस्थिति को भी अपने होने के भाव बोध के साथ में जोड़कर देखा है। तो वे सारे जो भी महिलाएं इस तरीके से लेखन के प्रति हस्तक्षेप या समाज में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वह सही में सम्मान के पात्र हैं, वह सही में हमारे लिए आदर या विशिष्ट हो जाती हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। तो पूर्वोत्तर के साहित्य पर जब हम साहित्यिक परिदृश्य के ही संबंध में बात कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर के साहित्य के संदर्भ में मैं थोड़ी बहुत आपके सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण जो साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, मैं जरूर अवश्य इस बात की तरफ भी संकेत करना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा कुछ एक महिलाओं के नाम का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन इस बात से यह कदापि आप निष्कर्ष ना निकालिएगा कि इसके इतर कोई और महिला साहित्यकार यहाँ मौजूद नहीं है। मेरे संज्ञान में जो चीजें मौजूद थी या इस समय के भीतर में मैंने जो कुछ भी चीजें या जो सामग्री बटोरने का प्रयास किया उसी के माध्यम से अपनी बात रख रही हूँ, यह मेरे सीमित ज्ञान का परिचायक हो सकता है लेकिन आप इसको अपने निष्कर्ष के तौर पर ना समझिए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो
दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, भारत सरकार की, केंद्रीय हिंदी संस्थान की, जो भी संस्थाएं या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लगातार लेखन के क्षेत्र में अब लगातार महिला कहानीकार या साहित्यकार अपने होने के भाव को दर्शा रही हैं। और ऐसे में बड़े नामों में हमको कुछ नाम नजर आते हैं पूर्वोत्तर प्रांत से। आप शायद इस बात से परिचित होंगे कि पूर्वोत्तर प्रांत के अंतर्गत हम 8 राज्यों का उल्लेख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है ना। तो ये जितने भी सारे नाम है, ये 8 राज्यों को हम पूर्वोत्तर प्रांत के साथ या पूर्वोत्तर के नाम से जानते हैं। और इस बात का उल्लेख करने के पीछे मेरा यह भी ध्येय है, क्योंकि मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से पढ़ी हुई हूँ, और जब भी हम इस यात्रा सिक्किम से जब हम राजस्थान की तरफ जाते हैं, हमारा वहां रुक होता है, तो जितने भी लोगों के साथ में हमारा संपर्क बनता है, कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया कि आप कहाँ की हैं, तो हमारी छोटी छोटी आंखें और हमारी छोटी छोटी आंखें, हमारे बातचीत का जो तरीका है, उन सब से लोगों को यह लगा कि हम लोग विदेशी हैं। या मेरे साथ एक अनुभव, एक हम राजस्थान गए थे, जब हमको एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था, मुझे अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया, मैंने अपना परिचय वहां सबके सामने रखा, लेकिन वहां सुनने वालों में एक बंदे ने आकर मुझे आशीर्वाद देते हुए, बधाई देते हुए मुझसे कहा कि यह सिक्किम कहाँ है, किस देश में पड़ता है ना। तो ऐसे ना समझी वाली स्थितियां हमें अपने आसपास देखने को मिलती है कि आप एक बड़े वक्ता या एक बड़े लेखक के रूप में एक बड़े समाज में बैठे हुए हैं और वहां किसी परिचित या किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं कि सिक्किम प्रांत किस देश में पड़ता है। तो चाहे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आप कितना भी परिपक्व हो जाए, लेकिन अपने देश के बारे में आपकी समझ ठीक ढंग से ना हो, तो आप कैसे वह फो वाली स्थिति में पड़ जाते हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो मुझे यही लगता है निरंतर कि आदिवासी जो समाज है, आदिवासी जो संस्कृतियां हैं, आदिवासी जो भाषाएं हैं, वह निरंतर संकट की स्थिति के दौर से गुजर रही है। आप जैसे ठीक है, हमारे ऊपर भाषाओं का अनेक भाषाओं का जो प्रभाव पड़ रहा है, या जो भी एक वर्चस्ववादी जो संस्कृति का दबाव हम पे लगातार बन रहा है, या बाजारवाद और भूमंडलीकरण के दौरान आदिवासियों की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, उन सब से सही मायने में अस्मिता का जो संकट है, वह लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अपने समय, समाज और संस्कृति में के प्रति सचेत कई लेखिकाएं लिख रही हैं, चाहे वह हिंदी भाषा के माध्यम से हो, चाहे अपनी क्षेत्रीय स्थानीय भाषा के माध्यम से हो, लेकिन उनके भीतर यह जज्बा उभर कर निकल रहा है, आ रहा है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने समय, अपने समाज और अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। और अपनी भाषा के प्रति भी लगातार लोगों के भीतर में एक सचेतता हमको नजर आती है, क्योंकि भाषा मर जाएंगी तो भाषा के साथ साथ में उसकी संस्कृति और उसकी जो उसका पूरा का पूरा जो वजूद है, वह पूरा खतरे में पड़ जाएगा। तो इस बात का जो आभास है, वह धीरे धीरे पूर्वोत्तर की जो भाषिक जो समाज है, पूर्वोत्तर की जो सांस्कृतिक जो आपको विरासत देखने को मिलती है, उसमें भी लगातार एक विस्तार या वृद्धि की स्थिति हमको नजर आती है। जोरम यालम नाबम ये अरुणाचल की एक बड़ी लेखिका हमारे सामने है, जिनकी 3 उपन्यास हमारे सामने आते हैं, जिसमें साक्षी है पीपल, तानी मोमिन और जंगली फूल। उसी तरीके से तुम्बम रीमा जाबो लीली है। नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जब हम सही मायने में किसी आदिवासी समाज को जानने और समझने की चेष्टा करते हैं, और पूर्वोत्तर प्रांत के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं, तो इस अटपटे से लगने वाले लोगों के साहित्य के भीतर जागे देखेंगे, झांकेंगे, तो बहुत कुछ ऐसा आपको आभास होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ, हम कहाँ है, वे कहाँ है, लेकिन फिर भी उनके मध्य की जो पारस्परिक जो संबंध है, उनकी संवेदना है, चाहे जंगली कहे, चाहे आदिवासी कहे, चाहे जनजाति कहे, किसी रूप में भी आप इन पूर्वोत्तर प्रांतों के लोगों को देखें, लेकिन उनकी संवेदना है, उनकी वैचारिक जो स्थितियां है, जो वैचारिक जो स्तर है, उसमें और मुख्य धारा के समाज में किसी तरीके का कोई भेद नहीं है। अंतर है तो सिर्फ हमारी सांस्कृतिक जो एक तरीके से हमारे जो
कर्म कांड है, करने की जो प्रथा है, करने की जो प्रणालियां है, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन मन और विचार से हम भी कुछ अलग या इतर नहीं है, ऐसा मुझे आभास होता है। और जैसे तुम्पम रिबा जामो लिली मैडम है, उनकी उस रात की सुबह और कातम रचना है, वही बहुत महत्वपूर्ण लगातार शायद आपने अगर इंटरनेट में, क्योंकि आप जितना ज्यादा आज ऑनलाइन की मीडिया जितनी ज्यादा अपने को उसका प्रसार कर रही है, ऐसे में कई अनेकानेक चेहरे हमारे सामने उभर कर आते हैं। एक महत्वपूर्ण नाम जमुना बिनी तादर का आता है और कई मुख्य धारा के समाज के यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में इनकी कविताएं पढ़ाई जाती है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। तो यह हमारे लिए सही में गौरव की बात है कि हमारे लोग आज मुख्य धारा के लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, या उनको महसूस करने की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब उनकी एक महत्वपूर्ण दो कृतियां है, जब आदिवासी गाता है, यह काव्य संग्रह है, और दूसरा है उई मुख, है ना। तो जमुना बीनी तादर का नाम भी बहुत ही उल्लेखनीय पूर्वोत्तर के साहित्यकारों में हमें नजर आता है। मोरजुम लोई मैडम है, उनका म अनाम जो रचना है, वह तानी जो समाज है उनके जीवन पर केंद्रित है, उनके स्त्री जो समाज है उसके ऊपर केंद्रित है, ऐसा माना जाता है। आदिवासी अस्मिता का जो संकट है और भारतीय जो आदिवासी जो संस्कृति है, उसकी भाषा है, उसको बचाए रखने की जो जद्दोजहद है, वह झारखंड हो या अन्य जितने भी आपके आदिवासी समाज में देखने को मिलता है, वैसी ही जद्दोजहद, वैसी ही एक तरीके से संघर्ष की जो स्थिति है, वह आपके पूर्वोत्तर में भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। ऐसे कई बड़े नाम है जिनको नाम मिला है, जिनको पहचान मिला है, जिनको दुनिया जानती है, उसमें ममंग दाई का नाम आता है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। द ब्लैक हिल उनका उपन्यास है, उस पर 2017 में उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं जैसे उनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियों में अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन हमारी आदिवासी जो अस्मिता का जो संकट है, उन्हीं समस्याओं पर ही केंद्रित होकर उनका लेखन भी काम करता है। और जैसे रिवर पोएम्स है, द स्काई क्वीन है, तो इस तरीके की जो रचनाएं है वह भी आदिवासी समाज के साथ में जुड़ी हुई है या उनकी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। वहीं दूसरा एक नाम आता है तेमसुला आओ का, यहाँ नागा लेखिका है, उनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ठीक है कि मेरे कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि कई ऐसे नाम होते हैं जिनको दुनिया जानती है, कई ऐसे नाम होते हैं जो स्थापित नाम होते हैं, जिनको परिचय का कोई मोहताज नहीं होता वो परिचय के, लेकिन कई ऐसे नाम है जो अपने समाज अपनी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन जिनको आज दुनिया उनसे परिचित है। तो हम जैसे लोग इस तरीके के मंच पाकर उनका किस तरीके से उन्हें रखना है, किस तरीके से उनका शोध करना है, किस तरीके के उनके रचना और संसार में विस्तृत विषय के अंतर्वस्तु या शिल्प को हमें समझने की चेष्टा करना है, उनके संवेदना उनके वैचारिकत्व को हमें समझने की चेष्टा करनी है, इस बात को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिक्किम के फलक पर बात करेंगे, क्योंकि मैं सिक्किम प्रांत से हूँ और यहाँ साहित्यकारों की भूमिका में तो महिला साहित्यकार इस तरीके से मुझे मेरे जेहन में अभी तुरंत आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिस किपू का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। ठीक है कि दुनिया जानती है नहीं जानती है, मैं नहीं जानती, परंतु यहाँ सिक्किम प्रांत में रहने वाले जो हमारे आदिवासी जो समुदाय है, उन आदिवासी समुदायों में जो लेपचा समुदाय है, जिसके लिए कहा जाता है कि लेपचा समुदाय सिक्किम प्रांत में निवास करने वाली सबसे प्राचीन समुदाय है, तो इस समुदाय के जो स्त्रियां हैं, स्त्री वर्ग की स्त्री जीवन के उत्थान के लिए उनके लिए उनके सामाजिक है, उनके शैक्षिक है, उनके सांस्कृतिक है, हर क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए निरंतर मिस किपू जैसी महिला कार्यरत हैं। और उनको ठीक है कि नाम मिल रहा है, पहचान मिल रही है, लेकिन फिर भी उनकी महत्ता को, उनकी भूमिका को हम कोई इनाम और पुरस्कार से नवाजे तो भी उनकी महत्ता को मुझे महसूस होता है कि कम ही आंकने के प्रयास हो रहे हैं। तो मैंने
थोड़ा बहुत अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया। सबकी भूमिका, सबने जो भी प्रस्तुति दी, सबका बेहतरीन प्रस्तुतियां रही। मैं सबको बधाई देती हूँ और प्राचार्य महोदय का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया। मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर मैंने आपके सामने जो कुछ भी अपने विचार को प्रस्तुत करने की हिमाकत की है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और संचालक महोदय की बेहतरीन संचालन के लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं ये कहूंगी कि जितने लोग उपस्थित हैं सब एक बार अपना कैमरा ऑन कर ले, जिससे कि हम लोग विशेषज्ञ और अतिथि के साथ एक फोटो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब जल्दी से कर लें क्योंकि समय काफी हो गया है और हमारे कॉलेज के भी लोग जुड़ गए हैं, इसीलिए आप लोग एक अपना कैमरा ऑन कर लें जिससे कि हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकें। लक्ष्मी आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका यह वक्तव्य विशेष रूप से शोधार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जब हम इस तरह के किसी तरह का अगर शोध करते हैं या रिसर्च लिखते हैं तो उसमें हमें कहीं जीवन परिचय पर ज्यादा ध्यान ना देकर उनके साहित्यिक योगदान पर ही हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि शोध संदर्भ, शोध के अंत में संदर्भों को हमें किस तरह से लिखना चाहिए, और आपने अपने अनुभवों को भी हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने पूर्वोत्तर प्रांत के जो साहित्यकार हैं उनके विषय में भी आपने उनके रचनाओं को, उनके साहित्यकारों पर बहुत ही सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है। और ये भी मैं बताया कि हमें उनकी संवेदना, उनके वैचारिक स्तरता में ज्यादा अंतर नहीं है सभ्य समाज में, अगर अंतर है तो उनके संस्कृति का। तो आपके इस उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। इसके अब हम सभी कार्यक्रम के समापन की ओर है, और कार्यक्रम के समापन के पूर्व में राजनीति शास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र भारती सर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। भारती जी माइक ऑन कर लीजिए। धन्यवाद लक्ष्मी। मैं भी एक कार्यक्रम में ही व्यस्त था, मैंने प्राचार्य महोदय को बता दिया था मैं उसी जगह से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं लगातार मैं सुन रहा था लोगों का वक्तव्य, और खास करके मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद चूंकि भुटिया जी को दूंगा कि जिन्होंने जिस संवेदना को रखा है, और खास करके जिस तरह से आज भी उत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत के लोगों के प्रति जो सोच है, जिसको उन्होंने बताया है कि किस तरह से आज भी हमको नहीं मानते हैं, यह एक अलगाववाद की जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाता है। यह एक सांस्कृतिक समस्या है जिस पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने बातों को रखा है और जिस तरह से उन्होंने साहित्य के विमर्श को व्यक्ति से उठा करके समाज और समाज से उठा करके संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है, मैं मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो तहे दिल से इस बात को लेकर के आपका आभारी हूँ। मैंने आपके वक्तव्य को सुना, और शायद चूंकि मैं राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ हूँ तो साहित्यों साहित्य कर्मियों से कम ही मुलाकात होती है। अलग बात है कि मेरी सहयोगी प्राचार्य हिंदी की है और अक्सर कर बात होती रहती है, लेकिन ये मेरा विषय रहा है और पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत आपकी बात को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जूही संप्रीता जी का, जिन्होंने
पूरी की पूरी मैंने एक एक सुना कि एक एक आलेख को उन्होंने जिस तरह से उसका विवेचना की और जिस तरह से बताया कि हर आलेख में क्या कमियां थी, एक शिक्षक के रूप शिक्षिका के रूप में उन्होंने जिस तरह से बातों को रखा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप इस मंच से जुड़ी हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और साथ ही में जितने भी देवेंद्र सिंह ठाकुर हों, अर्चना कुमारी हों, नफीसा खातून हों, शेख मसूद हों, भारती कुमारी हों, नम्रता गौरव हों, परवीन मुंडू, सुनीता गुड़िया हूँ, आदि जितने भी लेखक ने जो आलेख अपने प्रस्तुत किए हैं शोधार्थियों ने, मैं सबको तहे दिल से अपने महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मंच के माध्यम से जुड़े और हमें साहित्य के एक नए स्वरूप को देखने को समझने का मौका मिला। मैं आप सबका धन्यवाद। और अंत में सबसे पहले मैं बधाई दे दूं अपने प्राचार्य को, जो ये अलग बात है कि हम लोग दोनों एक साथ थे और मैं इस अपना अंतिम मैंने जो हमें खुशी हो रही है कि मेरे एक सहयोगी जो कल के परीक्षा हम लोग के साथ पहली महिला बनी है, हमारी सहयोगी है जो प्राचार्य आचार्य के रूप में सुशोभित करेंगे विश्वविद्यालय को, मैं आपको इस मंच के माध्यम और सबके तरफ से उनको बधाई देता हूं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे साथ वो दरी पर भी बैठी है और मेरा उनका जो सहयोग का सिलसिला रहा है वो लंबा सिलसिला रहा है। अलग बात है कि हम दोनों एक ही साथ काम किए हैं। मैं तहे दिल से अपने महाविद्यालय की तरफ से शिक्षक संघ के अध्यक्ष के हैसियत की तरफ से, कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष की हैसियत से मैं इस मंच के माध्यम से मैडम आपको बधाई देता हूं। और आपके इस ब्रेन चाइल्ड की वजह से इस महाविद्यालय ने यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कराया। आपने इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया है विवेक महाविद्यालय में, जानता हूं, और मुझसे जुड़ा हुआ है। आप इस मान में रहें और आप स्वस्थ हों और आपको भी धन्यवाद कि हमारा महाविद्यालय इस पटल पर आया है। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं, लगभग 73-74 लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, मैं सबका तो नहीं बता कर पाऊंगा, लेकिन मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ अपने महाविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से। और आपका यह सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा, इसकी इस आकांक्षा के साथ मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहकर इस सेशन के समाप्ति की घोषणा चाहता हूँ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और एक बार पुनः सब आप लोग का आभार कि आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद धन्यवाद। फिर हम लोग 3 बजे जुड़ेंगे दूसरे सेशन के लिए। अब ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग फिर 3 बजे तीसरे तकनीकी सत्र के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।